हेलो फ्रेंड्स, कोड विद किरण चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में लॉगिन सिस्टम बनाने वाले हैं। ये लॉगिन सिस्टम फुल्ली पाइथन में टीक इंटर मॉडल के यूज़ करके बनाया है मैंने। ये लॉगिन सिस्टम हम बहुत ही आसान और यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगा। अगर हम बड़े कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लॉगिन सिस्टम चाहिए। तो मैं आपको डेमो में एक प्रोजेक्ट ऐड करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम एक डेमो करके देखते हैं, उसके बाद हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये लॉगिन पेज है हमारा, तो मैंने सिर्फ पाइथन के टीक इंटर मॉडल से ही ये ब्यूटीफुल लॉगिन पेज बनाया है। तो चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं। अगर मैं दोनों फील्ड में कुछ ना डालो और लॉगिन करो तो यहाँ पर प्लीज़ इंटर ईमेल करेक्ट पर्सन, तो मैंने कुछ वैलिडेशन लगाए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं कुछ डालूँ, यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग कुछ डाल दूँ और यहाँ पे भी कुछ डाल दो ऐसे रॉन्ग में, और यहाँ से लॉगिन करो तो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे वैलिडेशन आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम ही डाल दो, अगर करेक्ट यूज़र नेम डालूँ मैं यहाँ पे और पासवर्ड कुछ ना डालो और लॉगिन करो तो यहाँ पे शो होगा मैसेज प्लीज़ इंटर पासवर्ड द करेक्ट पर्सन। ओके, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँ सही 1 2 3 4, मैं रॉन्ग डाल दूँ यहाँ पे, पहले मैं रॉन्ग डाल के दिखाता हूँ आपको, 1 2 कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करो तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं सही से यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंट्री फील्ड में डालूँ तो ही लॉगिन बटन काम करेगा, वरना नहीं करेगा, यहाँ पे वैलिडेशन आ जाएंगी। तो हम एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो बटन बनाए हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट एंड फॉरगॉट पासवर्ड। अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करूँ तो यहाँ से क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल रजिस्टर विंडो बनाया है जो कि ओनली टीक इंटर मॉडल की मदद से बनाया है मैंने। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ मैं, अश्विनी, देन कामरे, ओके कामरे, देन कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मैं डमी डाल दे रहा हूँ, ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल होगा ashokapoor@gmail.com। देन यहाँ पे सिक्योरिटी के क्वेश्चन रखा हूँ मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जब भी हमें फॉरगॉट पासवर्ड करना हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा। तो मैं योर बेस्ट फ्रेंड में डाल देता हूँ कपिल, देन पासवर्ड 1 2 3 4। अगर यहाँ पे मैं गलत पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डाल दूँ, 1 कुछ भी डाल दो ऐसे, और यहाँ पे एग्री करो चेकबॉक्स से और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है, तो यहाँ पे अगर मैं सेम डाल दूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं चेक, यहाँ पे चेक, देन रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल। तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे जो बटन बनाए हैं एक इमेज की मदद से बनाए हैं, इमेज लेके अगर मैं लॉगिन नाउ पर क्लिक करो तो मैं लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो यहाँ यूजर ने हमें ईमेल ही डालना होता है जो हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे यूज़र नेम हमें ईमेल डालना है, यहाँ पे यूजर ईमेल डाला था मैंने ashokapoor@gmail.com, ओके। तो यहाँ पे पासवर्ड था हमारा 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करो तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट भी कनेक्ट किया है। एक्चुअल में क्या होता है आपको समझने में आसानी हो तो हम लॉगिन करेंगे, तो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोल रहा है, तो हमने गलत यूज़र नेम लिखा था। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ashokapoor@gmail.com, ओके, देन यहाँ पे पासवर्ड होगा हमारा 1 2 3 4। तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम, तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सेस ओनली एडमिन पैनल, इफ़ यू एडमिन पर्सन देन प्रेस बटन, अदरवाइज क्लिक यू नो बटन, ओके। तो मुझे रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। ये फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है मैंने जो कि फुली पाइथन में बनाया है MySQL डेटाबेस के साथ। अभी तक आपने ये प्रोजेक्ट देखा नहीं है
तो जल्दी से जाकर आप देखिए, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मैं इसे क्लोज करूँगा। अगर मैं यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करूँ तो यहाँ पे देखिए, प्लीज़ इंटर द ईमेल एड्रेस टू रिसेट योर पासवर्ड। तो हमें ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे, तो ओके देन @gmail.com, देन यहाँ से हम फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे योर बेस्ट फ्रेंड कर दूंगा। यहाँ पे हमें आंसर देना है। अगर मैंने गलत आंसर लिखा, यहाँ पे देखिए ऐसे ही कुछ लिखा, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा कुछ, और यहाँ पे रिसेट पासवर्ड कर जाऊँ, तो यहाँ पे देखिए प्लेस सेलेक्ट द करेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन इंटर आंसर। तो हमें यहाँ पे सही सही आंसर देना होगा, नहीं तो यहाँ पे रिसेट पासवर्ड नहीं होगा। तो हमें देना है ओके, देन यहाँ पे मुझे चेंज करना है तो ओके, यहाँ पे रिसेट पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए, योर पासवर्ड हैज़ बिन रिसेट, प्लीज़ लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ न्यू पासवर्ड से। ओके @gmail.com, देन यहाँ पे था ओके, देन लॉग इन। तो यहाँ पे देखिए ये लॉग इन हो रहा है सही से। तो हम जाएंगे फिर से लॉग इन पेज में। तो हम ये लॉग इन पेज बनाएंगे। बिफोर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वेस कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे हम वेस कोड में आ चुके हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे हम, login.py। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले TK इंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम से लेंगे हम, फ्रॉम tkinter.import*। तो स्टार सभी TK इंटर मॉड्यूल में जो भी हमारी लाइब्रेरीज में कुछ भी डेटा होगा वो लाके देगा हमें। देन हम यहाँ पे और एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम tkimport। तो हमें TTK, जो TTK मॉड्यूल के अंदर TTK मॉड्यूल है उसे भी इंपोर्ट कर लिया है हमने। तो जो भी हमें चाहिए बाद में हम इंपोर्ट करते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमें दो ही चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, तो यहाँ पे लॉग इन विंडो, तो क्लास का नाम हमने लॉग इन विंडो रखा है। तो सॉरी यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन को इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे डिफाइन, तो इनिट से हम कंस्ट्रक्शन को इनिशियलाइज करते हैं। ओके यहाँ पे इनिट, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट देना होता है सेल्फ, देन यहाँ पे विंडो का नाम, विंडो का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे रूट रख रहा हूँ। देन यहाँ पे नीचे हमें सेल्फ को इनिशियलाइज करना होता है, सेल्फ डॉट रूट, देन यहाँ पे इक्वल्स टू रूट। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे टाइटल भी दे देता हूँ अपने विंडो का, सेल्फ डॉट रूट, देन टाइटल की मदद से हम टाइटल देंगे। तो यहाँ पे लॉगिन दे देता हूँ मैं ओके। तो हमें विंडो की ज्योमेट्री भी देनी है, तो विंडो की साइज, विट और साइज देनी होती है हमें ज्योमेट्री में, सेल्फ डॉट रूट देन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ओके। तो ज्योमेट्री में हमें हाइट और विट देनी होती है। तो विट मुझे देनी है इसकी 150, 15550, देन इनटू हाइट देनी है मुझे 80, 800। देन यहाँ पे हमें प्लस करके जो भी विंडो की स्टार्टिंग पॉइंट देनी होती है एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पे पिक्सल देता हूँ 0, देन यहाँ पे प्लस 0। तो हमें नीचे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है जो कि मेन, सिंपल मेन होता है किसी भी प्रोग्राम में, जो मेन लास्ट में लिखा जाता है वही मेन यहाँ पर भी होता है। ऑब्जेक्ट कॉल करना होता है हमें यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए रूट इक्वल्स टू TK,
देन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू जो क्लास का नाम दिया है हमने लॉगिन विंडो, उसमें हमें रूट पास करना होता है। देन यहाँ पे हमें विंडो को क्लोज करना होता है रूट से, रूट डॉट मेन लूप क्लोज। तो हम यहाँ पे रन करेंगे, तो रन करने के लिए कंट्रोल टिल दबाए, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल टिल, तो यहाँ पे हमें टर्मिनल में कैसे रन करना होता है तो मैं ये सिखा देता हूँ आपको यहाँ आज। तो यहाँ पे पाइथन लिखिए, देन जो भी हमने फाइल का नाम लिखा है लॉगिन डॉट पी वाई और इंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारी विंडो बन चुकी है, तो हम जाएंगे वीएस कोड में। तो हमें क्या करना है, तो पहले हमें बैकग्राउंड में इमेज डालनी है। इमेज डालने के लिए हमें एक मॉडल इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम फ्रॉम, तो यहाँ पे पील, देन इसमें से इंपोर्ट करेंगे हम इमेज, देन कॉमा इमेज, यहाँ पे टीके आएगा, तो यहाँ पे इमेज देन टीके। तो ये मॉडल हमें डाउनलोड करना होगा, तो डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे हो गए हैच करके बताऊंगा, तो पिप इंस्टॉल पीलो। ओके, तो ये कमांड आप गूगल पर डाल के इस मॉडल को इंपोर्ट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे हम इमेज लेंगे सेल्फ डॉट बैकग्राउंड इमेज चाहिए हमें, तो ये वेरिएबल बनाया है मैंने सिर्फ। तो इमेज लेने के लिए हमें इमेज टीके देन डॉट फोटो इमेज, तो हमें फोटो इमेज लेनी है। तो यहाँ पे पहले हमें देना होता है फाइल देन इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे पाथ देना होता है जो भी हमारे इमेज का पाथ होता है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे हमने फाइल क्रिएट किया है वहीं पे आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से पहले पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन यहाँ पे हमें डालना है पेस्ट, और यहाँ तो मैंने यहाँ पे पाथ कॉपी कर लिया है। तो मुझे इमेज का नाम भी डालना है यहाँ पे, तो मुझे ये इमेज डालनी है, तो इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी देन यहाँ पे रिडायरेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे स्लैश देके हमें इसका नाम देना होगा, कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, जो भी स्लैश है बैक स्लैश इसको चेंज करना होता है। और एक मेथड है, यहाँ पे हम आर लिखेंगे तो ये सब चेंज हो जाएंगे। तो उसके बाद हमें इस जो इमेज डाली है ये इमेज हमें लेबल की मदद से हम विंडो पर शो करेंगे। तो हमें यहाँ पे लेबल लिखना होगा, तो लेबल बैकग्राउंड, तो मुझे लेबल की मदद से लेबल डालनी है। तो मुझे लेबल कहाँ पे डालनी है, सेल्फ डॉट रूट में। ओके, सेल्फ डॉट रूट, तो हमें लेब इमेज डालने के लिए इमेज इक्वल्स टू, और जो भी इमेज का नाम है सेल्फ डॉट ओके बैकग्राउंड। तो इसे हमें प्लेस करना होगा इस लेबल को, तो प्लेस करने के लिए तो मैं इसको प्लेस करूँगा लेबल बैकग्राउंड डॉट प्लेस। तो प्लेस में क्या होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है हमें। एक्स एक्सिस मुझे 0 से चाहिए और वाई एक्सिस 0 से चाहिए। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेल विथ इक्वल्स टू 1 दूंगा, देन रेल हाइट तो रियल हाइट भी 1 दूंगा। हमारी विंडो की हिसाब से जब भी चेंज हो जाए हमारी विंडो, रियल विड्थ 1 हो जाए और रियल हाइट 1 हो जाए, ताकि जब भी हमारी विंडो चेंज होती रहे तो ये सही से प्लेस हो जाए। तो मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ से डायरेक्ट रन कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेज प्लेस हो चुकी है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है यहाँ पे लॉगिन सिस्टम के लिए। तो हम यहाँ पे एक फ्रेम बनाएंगे, तो मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ओके, तो हम नीचे एक फ्रेम बनाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेम इक्वल्स टू फ्रेम बनाएंगे हम फ्रेम की मदद से, सेल्फ डॉट रूट में हम फ्रेम बनाएंगे। देन हमें फ्रेम के अंदर क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ वाइट, सॉरी यहाँ पे रेड, ब्लैक दे देता हूँ मैं ब्लैक। तो हमें फ्रेम को प्लेस करना है, तो फ्रेम डॉट प्लेस करेंगे, तो हमें प्लेस में एक्स और वाई पिक्सल देने होते हैं। तो एक्स दे देता हूँ मैं 610, देन वाई देना है मुझे 170। ओके, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा 170। उसके बाद मुझे विड्थ देनी है, तो ये कितनी लंबी हो, तो विड्थ दूंगा मैं यहाँ पे 340। देन मुझे हाइट भी देनी है, ओके GST, ओके मुझे हाइट देनी है इसकी 450। तो मैं यहाँ से कंट्रोल यस, और यहाँ से आपको यहाँ से भी रन करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले वाला क्लोज़ कर लूँ पहले, ओके तो यहाँ से डायरेक्ट पाइथन देन लॉगिन डॉट पी वाई और इंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेम भी बन चुका है। तो इस फ्रेम में हमें एक इमेज डालनी है ऊपर, जो कि लॉगिन की। देन यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड यहाँ पे एक लेबल लेंगे, उसके बाद हम जो भी ईमेल, यूज़र नेम, देन एंट्री फील्ड्स, देन नीचे एक पासवर्ड और एंट्री फील्ड लेंगे। तो हम जल्दी से वो बना लेते हैं। तो चलिए हम वीएस कोड में चलते हैं। तो यहाँ इमेज डालने के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं, इमेज वन। तो इसके लिए हमें इमेज की मदद से इमेज डालेंगे हम, इमेज डॉट यहाँ पे ओपन करना होगा हमें, जहाँ पे हमें हमारा पाथ है, तो ओपन। उसके बाद हमें हमारा पाथ देना होता है जहाँ पे हमारी इमेज है। तो यहाँ पे मैं इमेज देख लेता हूँ, तो हमें इमेज डालनी है, तो इसकी इसका पाथ डाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे जाइए हमारे वेस कोड में, तो वेस कोड में कॉपी करेंगे, तो हम यहाँ पे आखिर में फर्स्ट में आर लिखेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बैक स्लैश में। उसके बाद हमें नीचे क्या करना है, तो इमेज वन इक्वल्स टू, तो इमेज वन डॉट रिसाइज करना होगा। हमें पता नहीं है कि हमारी इमेज कितनी बड़ी या छोटी है, तो हम इसे रिसाइज करेंगे। तो मुझे रिसाइज करना है वन। तो यहाँ पे दो दो चीज़ें देनी होती है, विथ और हाइट इमेज की। तो 100 बाय 100 कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ में कॉमा इमेज, ओके इमेज डॉट डॉट, ओके। तो यहाँ पे हमें एंटी लाइज देना होता है, एंटी लाइज। तो मैं बताता हूँ एंटी लाइज का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर लो, तो यहाँ पे एक ओके, देन यहाँ पे एक क्लोज, सॉरी यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एंटी लाइज क्या काम करता है। एंटी लाइज अगर हमारी हाई लेवल की इमेज हो, तो एंटी लाइज उसको कन्वर्ट कर लेता है लो लेवल में। देन हमें यहाँ पे सेल्फ डॉट इमेज के लिए हमें इमेज हमें डालना है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, फोटो इमेज वन इक्वल्स टू इमेज टी के डॉट फोटो इमेज देन इमेज वन, ओके इमेज वन हमें इसमें डालना होता है। तो हमारी जो इमेज डाली हुई है इस पाथ की, तो इस फोटो इमेज वन में आ चुकी है इमेज टिकी की मदद से। उसके बाद हम एक लेबल बनाएंगे, इमेज लेबल की मदद से हम इमेज हमारे फ्रेम में डालेंगे। तो इमेज वन, और यहाँ पे
लेबल इमेज लेबल इमेज वन इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे लेबल लेना है, तो ये लेबल डायरेक्ट हमारे, तो ये लेबल लेबल में हमें रूट या फ्रेम पास नहीं करना है, हमें प्लेस करना है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम इमेज लेंगे, तो यहाँ पे इमेज लेने के लिए हमें इमेज इक्वल्स टू जो भी इमेज का नाम है सेल्फ डॉट, तो हमारी ये इमेज है फोटो इमेज वन में, देन इसका बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ मैं ब्लैक, ओके, देन मैं इसकी बॉर्डर विड्थ भी कम कर लेता हूँ, तो इसकी बॉर्डर ज़्यादा ना दिखे मुझे, तो बॉर्डर ओके यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, तो बॉर्डर विड्थ क्या काम करती है, जो भी हमारी एक्स्ट्रा बॉर्डर है इसको कम कर लेती है, तो यहाँ पे ओके, देन यहाँ पे हमें प्लेस करना है लेबल इमेज वन डॉट प्लेस, तो मैं प्लेस कर लेता हूँ इसे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पिक्सल ले लिए है 730, देन वाई के लिए मैं कर लेता हूँ 175, देन विड्थ देनी है मुझे, तो विड्थ दे देता हूँ मैं 100, यहाँ पर हाइट भी मैं सेम कर लेता हूँ, ओके हाइट भी 100 ले लेता हूँ, और कंट्रोल यस, और हम इसे रन कर लेते हैं, तो पहले वाला क्लोज कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमें एक एरर शो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने जो भी हमारी इमेज का नाम है ये नहीं दिया है, तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी, देन यहाँ पे वेस कोड में जाएंगे हम, और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे स्लैश देंगे और यहाँ पे पेस्ट, तो इसका फॉर्मेट भी देना होता है हमें, तो ये पीएनजी है, पीएनजी इमेज है, तो पीएनजी देना होता है हमें डॉट करके पीएनजी, ओके, तो मैं इसे भी 100 कर लेता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट रन कर लेता हूँ मैं, तो कंट्रोल एस पहले कर लेता हूँ, और यहाँ से डायरेक्ट रन, तो यहाँ पे देखिए हमारा आइकन आ चुका है, तो नीचे मुझे एक लेबल चाहिए गेट स्टार्टेड के लिए, तो वो लेबल बना लेता हूँ मैं जल्दी से, तो यहाँ से जाएंगे हम, तो हम यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं गेट स्टार्टेड वाला, तो मैं लेबल का नाम रख देता हूँ गेट एसटीआर देन लेबल, तो लेबल की मदद से हम लेबल लेंगे, लेबल हमें कहाँ पे चाहिए फ्रेम के अंदर, तो इसकी हमें लेबल की टेक्स्ट देनी होती है यहाँ पर, तो टेक्स्ट देंगे हम गेट स्टार्ट, ओके यहाँ पर मैं जी कैपिटल रख देता हूँ गेट स्टार्ट स्टार्टेड, ओके गेट स्टार्टेड, देन मैं गेट की फॉन्ट दे देता हूँ यहाँ पे, तो मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, तो फॉन्ट फैमिली में हमें फर्स्ट नाम देना होता है फॉन्ट का, तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, देन इसकी साइज फॉन्ट साइज, तो मुझे फॉन्ट साइज देनी है 20, देन इसकी जो स्टाइल है तो मैं बोल्ड कर देता हूँ, देन इस लेबल की मैं बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ मैं, ओके फॉरग्राउंड कलर है, फॉरग्राउंड कलर मुझे चाहिए वाइट, देन बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए ब्लैक, तो मेरी विंडो के हिसाब से जो भी फ्रेम आता है उस फ्रेम में मिक्स हो जाए ब्लैक कलर, तो ओके बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए ब्लैक, ओके कंट्रोल यस, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए इसको प्लेस करना है, तो प्लेस करेंगे हम गेट स्टार डॉट देन प्लेस, तो प्लेस करना है मुझे मुझे तो प्लेस हम कर रहे फ्रेम के अंदर ना कि रूट में, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लगेगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट 95 देन वाई कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे
यहाँ पे इक्वल टू आएगा और यहाँ पे कंट्रोल यस, और यहाँ से रन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड लेवल आ चुका है। तो हमें क्या चाहिए नीचे, एक यूज़र नेम के लिए एंट्री फील्ड चाहिए, सॉरी लेबल चाहिए, देन यूज़र नेम के लिए नीचे एक एंट्री फील्ड चाहिए, देन नीचे हम यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे लेबल, देन उसके लिए एक नीचे एंट्री फील्ड बनाएंगे। तो हम जल्दी से वो भी बना लेते हैं। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे तो हम लेबल्स यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ओके, तो हमें लेबल बनाना है यूज़र नेम के लिए, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, यूज़र नेम लेबल, तो लेबल की मदद से हम लेबल बनाएंगे। तो लेबल हमें फ्रेम के अंदर बनाना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम, तो यूज़र नेम। ओके, तो उसके बाद हमें फॉन्ट फैमिली चाहिए इसमें भी, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी, देन यहाँ पे कॉमा, देन पेस्ट। तो मैं इसकी थोड़ी सी फॉन्ट कम कर लेता हूँ, तो मुझे चाहिए 15। ओके, तो मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ यूज़र नेम को। तो प्लेस करने के लिए हमें, तो यूज़र नेम डॉट प्लेस, तो प्लेस हमें फ्रेम के अंदर करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट लगेगा हमें। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्स 70, देन वाई दे देता हूँ मैं 155। ओके, देन यहाँ पे कंट्रोल यस, तो हम इसे प्लेस करेंगे। तो यहाँ से रन, तो पहले वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यूज़र नेम आ चुका है। तो मुझे इसके नीचे एक एंट्री फील्ड चाहिए, तो मैं वो भी बना लेता हूँ। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे एक एंट्री फील्ड चाहिए, तो मैं सेल की मदद से यहाँ पे टेक्स्ट, ओके, यूज़र एंट्री फील्ड ना, देन आप इक्वल्स टू, तो एंट्री फील्ड हम एंट्री की मदद से बनेंगे। तो एंट्री फील्ड मुझे चाहिए फ्रेम के अंदर। ओके, देन एंट्री में हमें क्या देना होता है, जो भी हमारी फॉन्ट होती है वो फॉन्ट देनी होती है। तो मुझे एंट्री फील्ड में फॉन्ट देनी है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। ओके, तो कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो इसे भी मुझे प्लेस करना है, तो प्लेस करूँगा मैं सेल्फ डॉट txt यूज़र डॉट प्लेस। ओके, प्लेस मुझे एक्स एक्सेस चाहिए, मुझे कितना 40, देन मुझे चाहिए वाई एक्सेस 185। यहाँ से जो भी यूज़र नेम है इससे नीचे आना चाहिए, तो 180 लगेगा। तो देन हमें इसकी विथ और हाइट देनी होती है, तो मैं इसकी, ओके, मैं विथ दे देता हूँ, मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ये इतनी ए फाउंड के हिसाब से हाइट एडजस्ट हो जाएगी, तो मुझे विथ चाहिए सिर्फ। तो विथ मैं 270 कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल यस, और यहाँ पे रन। ओके, पहले वाला क्लोज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्री फील आ चुकी है, तो ये बढ़िया है। तो मुझे क्या चाहिए, एंट्री फील जो है ना, गूगल, जो हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो एंट्री फील यहाँ पे जाने के बाद बबल जैसा हो जाता है, नीला नीला, तो हमें वैसी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे टी के इंटर में यहाँ पे TTK की मदद से एंट्री फील लेनी होगी। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे, ओके, TTK डॉट एंट्री, तो यहाँ पे कंट्रोल यस, और यहाँ से रन। तो पहले वाला क्लोज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्लिक करो, तो यहाँ पे बट जो भी हमारी एंट्री फील है वो गूगल गूगल की तरह हो रही है, गूगल की एंट्री फील की तरह। तो हमें क्या चाहिए, नीचे एक पासवर्ड के लिए भी चाहिए, यहाँ पे हमें आइकॉन चाहिए। तो उसके लिए मैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, हम नीचे भी एक पासवर्ड और एंट्री फील बना लेते हैं। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे नीचे भी चेंज कर लेता हूँ, तो पासवर्ड, ओके, मुझे यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी चेंज करना होगा। तो ये 70 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ ये जो लेबल है इसी से स्टार्ट होगा।
दिन मगर यहाँ से ऊपर से थोड़ा नीचे आएगा, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ इसके 225। देन यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा, तो मुझे जो भी ये प्लेस हो रहा है टेक्स्ट फील्ड, एक्स एक्स से एक्स 40 से शुरू हो रहा है, तो एक्स 40 से स्टार्ट होगा, तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट से नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 250। देन यहाँ पे इसकी विड्थ भी सेम होगी, तो मैं इसको कंट्रोल यस और यहाँ से रन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज़र नेम भी आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये बबल जैसा ये हिल रहा है, तो ये गूगल जैसे टेक्स्ट फील्ड है। तो मुझे क्या चाहिए इसके बाद, यहाँ पे एक लॉगिन बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉगिन बटन बनाऊँगा। इससे पहले मैं यहाँ पे एक इमेजेस आइकॉन डालूंगा जो कि यूज़र नेम के लिए, और इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है पहले, तो मैं वेस्ट कोड में चलूँगा, तो यहाँ पे यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे डालना है पासवर्ड, कंट्रोल यस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे यहाँ पर एक आइकॉन चाहिए यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए, तो ये आइकॉन कैसे डालते हैं हम देख लेते हैं। तो चलिए हम वीएस कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ आइकॉन इमेजेस। तो आइकॉन इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मुझे आइकॉन इमेजेस डालने के लिए सेम ऊपर की प्रोसेस करनी है, इस इमेज की तरह ही हमें आइकॉन इमेज डालनी होती है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करना है, तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इमेज 2 कर लेता हूँ, तो यहाँ से ऑल दबा के क्लिक करिए यहाँ पे 2, यहाँ पर अल्ट ऑल दबा के हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है, ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे 2। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो हाइट है ना, हाइट और वेट, तो मैं इसकी कम कर लेता हूँ, मुझे छोटी इमेज चाहिए, तो मैं इसकी कर लेता हूँ 25। देन इसकी जो वेट है, तो मुझे वेट यहाँ इसकी रखनी है 1, सॉरी यहाँ पे 6, 10। देन अपन वाई, मैं फ्रेम के अंदर नहीं डाल रहा हूँ डायरेक्ट, मैं इसको जो हमारी विंडो है इसके हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेम में नहीं डाला इसको, आप चाहे तो फ्रेम में डाल सकते हैं, मगर मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। तो इसके बाद मैं इसकी वाई एक्सिस दे देता हूँ, तो वाई एक्सिस मुझे देनी है 323, सॉरी यहाँ 323। देन हमें वीट देनी है इसकी, तो वीट कर लेता हूँ मैं 25। ऑलरेडी 25 है। देन मुझे इसकी इमेज, यहाँ से इमेज का पाथ देना है, सॉरी, तो इमेज का पाथ देने के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेजेस यहाँ पर है, तो मुझे ये इमेज देनी है पीएनजी इमेज। आप PNG इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी, देन यहाँ पे जाइए और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे PNG, तो मैं इसको कंट्रोल यस और यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए PNG इमेज आ चुकी है, मगर ये बहुत ही यहाँ से थोड़ा सा इस कॉर्नर में आ चुके हैं, हमें यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं मुझे क्या करना है थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो मैं इसको 650 कर लेता हूँ, और जो ये मेरी कोऑर्डिनेट है, तो तो यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ से रन, सही है अब। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चाहिए आइकॉन पासवर्ड के लिए, तो मैं वो भी बना लेता हूँ, तो मुझे सेम इसी की तरह कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट, तो मैं इसका सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज कर लेता हूँ इमेजेस 3, तो ऑल दबाना है सिर्फ आपको, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऑल्ट, यहाँ पे 3। मुझे आइकॉन, तो मैं चलता हूँ फाइल में, तो मुझे ये आइकॉन चाहिए, PNG इमेज चाहिए,
तो ओके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे डालना है। ओके तो मुझे ये नीचे सेम चाहिए, सेम एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट से चाहिए, मगर नीचे आना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट से। तो नीचे आने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। तो ओके 397 ये सेम रहना चाहिए, कंट्रोल यस और यहाँ से रन। ओके अब सही है, दैट्स गुड। तो ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो मैं इसकी थोड़ी सी वाई कोऑर्डिनेट ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 395। ओके कंट्रोल यस या अब सही है। तो यहाँ पे सही से काम कर रहा है हमारा, तो ये सही से फॉर्मेटिंग भी हो चुकी है। तो मुझे क्या ये क्या चाहिए नीचे, लॉगिन बटन। तो हम लॉगिन बटन बना लेते हैं, तो इसे क्लोज कर लेता हूँ मैं। तो बटन बनाने के लिए हमें टीकिंटर मॉडल में बटन्स होते हैं, तो हम बटन बना लेते हैं बटन। ओके मैं यहाँ पे लॉगिन बटन रख देता हूँ नाम, लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन हमें क्या बनाना है बटन की मदद से। ओके तो हमें बटन कहाँ पे बनाना है, फ्रेम के अंदर। ओके ओके फ्रेम के अंदर तो हमें बटन का टेक्स्ट देना है लॉग इन। ओके तो टेक्स्ट हमें पैरेंथेसिस में देना था लॉग इन, तो एल कैपिटल लॉग इन। देन इसकी मुझे फॉन्ट चाहिए, तो मैं इस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉन्ट यहाँ पे पेस्ट। ओके तो उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी बॉर्डर सेट कर लेता हूँ। बॉर्डर इसलिए कि मुझे थोड़ा सा इसका जो फ्रेम की बटन की ही साइज़ है थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, तो मैं बॉर्डर कर लेता हूँ इसकी 3। ओके सॉरी यहाँ पे 3। देन यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल होती है रिलीफ नाम की, तो रिलीफ में बहुत सारे स्टाइल होते हैं, तो मैं राइज कर लेता हूँ। ओके देन यहाँ पे मैं इसकी जो कलर है कलरिंग दे देता हूँ, तो मुझे फॉरग्राउंड चाहिए इसकी वाइट। ओके तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यहाँ पे वाइट। तो मुझे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे ओके ब्लैक। देन मुझे क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं कर लेता हूँ रेड। ओके तो मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ, पहले देखते हैं हम हमारा बटन कैसे दिखता है। लॉगिन बटन डॉट प्लेस। ओके तो प्लेस करूँगा मैं, प्लेस ये फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट कम ही देने होंगे, तो मैं कोऑर्डिनेट दे देता हूँ यहाँ पे, तो 1। ओके तो वाई हमारा काम करे कहाँ से, तो मैं वाई दे देता हूँ 300। तो इसके अंदर विड्थ और हाइट भी देनी होती है हमें, तो मुझे यहाँ पे विड्थ देनी है, तो विड्थ दे देता हूँ मैं 120। देन मुझे बटन की हाइट भी देनी होती है। ओके यहाँ पे हाइट, तो हाइट ले देता हूँ मैं 350 और यहाँ पे कंट्रोल यस। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टिल दबा के यहाँ से भी रन करके दिखाता हूँ। ओके पाइथन जो भी नाम है हमारी फाइल का .py और इंटर। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा बटन आ चुका है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो हम क्लिक करने के बाद जो कलर बदल रहा है चेंज हो रहा है, तो इसको हमें चेंज ना हो इसके लिए हमें एक लिखना होगा बटन में, तो हम वो भी लिखेंगे सीखेंगे। तो यहाँ से मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होता है इसके अंदर। ओके तो हमें एक्टिव ओके जो भी फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर चाहिए, ओके मुझे फॉरग्राउंड कलर चाहिए, तो ओके फॉरग्राउंड ग्राउंड, तो मुझे फॉरग्राउंड कलर क्या चाहिए वाइट, तो ये चेंज ना हो तो वाइट। देन मुझे जो भी यहाँ से मैं ओके तो मुझे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए एक्टिव बैकग्राउंड,
बैक एक्टिव, ओके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्टिव आएगा पहले, एक्टिव बैक ग्राउंड ओके इक्वल्स टू, तो मुझे एक्टिव बैकग्राउंड क्या चाहिए रेड, यहाँ से कंट्रोल एस और कंट्रोल टिल्ड, यहाँ पे पाइथन ओके पाइथन लॉगिन डॉट पी वाई, सॉरी यहाँ पे लॉगिन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए ये अब चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने एक्टिव किया है कलर को भी। तो ये तो काम हो चुका है हमारा, हमें क्या चाहिए नीचे यहाँ पे, तो न्यू यूज़र को क्रिएट करने के लिए फॉर्म के लिए एक बटन चाहिए, देन यहाँ पे हमें फॉगट पासवर्ड के लिए एक बटन चाहिए, तो ये दोनों बटन बनाने हैं तो हम वो भी बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो इसी की तरह बटन चाहिए, मैं पहले यहाँ पे एक कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे लॉग इन ओके लॉग इन बटन, देन यहाँ पे रजिस्टर बटन, तो मुझे इसी की तरह बनाना है तो कॉपी कर लेता हूँ इसी को, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट ओके। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सिर्फ, तो मुझे लॉग इन की जगह यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ मैं ओके। तो मैं यहाँ पे नीचे एक पासवर्ड के लिए भी बटन बना लेता हूँ, तो यहाँ पे फॉगट पासवर्ड ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे फॉगट पासवर्ड आएगा फॉगट पासवर्ड बटन, तो यहाँ पे कमेंट, तो मैं इसी की तरह कॉपी करना है हमें, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट चेंज करने होते हैं तो बटन सेम रहेंगे ओके। तो यहाँ पे मुझे चाहिए न्यू यूजर रजिस्टर ओके, न्यू यूजर रजिस्टर, और यहाँ पे चाहिए हमें फॉगट फॉगट पासवर्ड। तो हमें क्या चाहिए, इसकी जो कोऑर्डिनेट है हमें, तो इसकी कोऑर्डिनेट हम चेंज करेंगे पहले, तो कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए हमें, तो मुझे यहाँ से ओके तो मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, फ्रेम के अंदर है तो ये कर लेता हूँ मैं 350, देन इसकी जो वीट है हमें तो वीट 160 कर लेता हूँ, और इसकी जो हाइट है मुझे हाइट नहीं चाहिए ओके। तो जो गूगल फॉर्म आपने देखे होंगे, जब भी हम गूगल फॉर्म भरते हैं या गूगल पर भरते हैं, तो जब न्यू यूज़र रजिस्टर फॉर्म होता है वो बटन की तरह नहीं होता है, एक टेक्स्ट की तरह बटन होता है, तो उसी तरह हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर है बटन की, तो हम इसको निकाल लेते हैं बॉर्डर, तो सॉरी यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर, तो उसकी जगह मैं बॉर्डर जो भी बॉर्डर की विड्थ है मैं 0 कर लेता हूँ, हमें बॉर्डर की विड्थ ही ना दिखे। देन उसी तरह मुझे इसकी भी करनी है कॉपी, देन यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट ओके। तो इसकी भी मुझे जो एक्स कोऑर्डिनेट है देनी होती है, तो मैं दे देता हूँ 10 से स्टार्ट होगी ये, नीचे आएगी तो इसकी जो ओके यहाँ पे फॉगट पासवर्ड जो इसकी लेंथ है वाई की, तो नीचे आना चाहिए ये फॉगट न्यू यूज़र की नीचे होना चाहिए, तो इसकी जो मुझे हाइट नहीं चाहिए, तो मुझे इसकी विड्थ तो चाहिए, तो विड्थ मुझे चाहिए इसकी 160 चाहिए इसकी भी ओके और यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ से हम रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आ चुके हैं, मगर यहाँ पे जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है रेड हो चुका है,
तो मुझे रेड नहीं चाहिए, इसको बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्रेम है इसका कलर ब्लैक है, तो इसी तरह दिखना चाहिए, तो मुझे बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक ही चाहिए। तो यहाँ पे एग्जिट, देन यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ है, ओके, तो मैं ये दोनों की चेंज कर लेता हूँ, मुझे चाहिए ब्लैक। ओके कंट्रोल एस यहाँ से रन। ओके अब सही है, इसकी फॉन्ट थोड़ी कम कर लेता हूँ मैं, तो मुझे फॉन्ट चाहिए इसकी, ओके यहाँ पे, तो मुझे इसकी चाहिए फॉन्ट, ओके 10 कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल एस और यहाँ पे रन। ओके अब सही है, मगर यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर थोड़ा सा आगे गया है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, नहीं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसे पीछे कर लेता हूँ, तो सही से मैं इसको लगा लूँ, तो यहाँ से, ओके नहीं तो इसको ही थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं, 20 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस यहाँ से रन। ओके यहाँ पे 20 सही था, ओके 10, और इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, ओके तो यहाँ पे कंट्रोल एस यहाँ से रन। तो अब सही है, ये दोनों बटन आ चुके हैं हमारे यहाँ पे देखिए, तो मगर यहाँ पे देखिए जब भी हम क्लिक कर रहे हैं, जो इसका एक्टिव बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना होगा हमें, तो मैं इसको भी ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए, तो इसको मुझे चेंज करने के लिए यहाँ पर जब हम एक्टिव बैकग्राउंड कलर दिया है तो इसको ब्लैक करना होगा। ओके परफेक्ट, अब देखिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करो तो यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा लॉगिन सिस्टम बन चुका है, तो परफेक्टली लॉगिन सिस्टम बन चुका है। तो हम लॉगिन बटन पर काम करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा, तो चलिए हम वीएस कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे वीएस कोड में तो हम सबसे नीचे यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पे तो डिफाइन लिखना होता है, डिफाइन के बाद जो भी फंक्शन का नाम है, लॉगिन रख देता हूँ मैं, इसके अंदर सेल पास कर लेता हूँ, तो देन यहाँ पे कोलन नीचे, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ वैलिडेशन भी लगानी होगी लॉगिन करने के लिए। अगर यूज़र नेम एंट्री फील्ड में, यूज़र नेम के एंट्री फील्ड में अगर मैं कुछ पास ना करूँ तो मुझे कुछ एरर भी शो कराए, तो इसके लिए मैं एक वैलिडेशन यहाँ पे लगा देता हूँ ये। तो यूज़र नेम की जो एंट्री फील्ड है, जब भी हम कुछ टेक्स्ट देते हैं तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम की यहाँ पे इस एंट्री फील्ड में जो भी डेटा है हमारा यहाँ से इस फील्ड में सेव हो जाएगा, तो इसके जो यूज़र नेम है यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, तो इस वेरिएबल की हमें ज़रूरत लगेगी और इस वेरिएबल की पासवर्ड की, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे यूज़र नेम डॉट, यहाँ से हमें डेटा लेना है गेट्स, देन हमें इक्वल इक्वल्स टू, अगर ये एम्प्टी हो ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट जो हमारा पासवर्ड है, ओके टेक्स्ट पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, इससे भी हम डेटा लेंगे, तो ये भी एम्प्टी हो, इक्वल्स टू एम्प्टी, तो हमें कुछ एरर शो हो जाए, तो यहाँ पे हमें मैसेज चाहिए, तो मुझे हमें मैसेज शो कराने के लिए नीचे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा मैसेज बॉक्स, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम टी के इंटर के अंदर हमें मैसेज बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पे इंपोर्ट टी के अंदर से, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ओके तो हम यहाँ पे एरर वाला मैसेज शो कराएंगे, तो नीचे तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, ओके तो यहाँ पे हमें एरर लिखना होगा, एरर यहाँ पे यूज़र को जो मैसेज लिखना है यहाँ पे, ओके तो हमें लिखना है यहाँ पे ऑल फील्ड्स, ओके रिक्वायर्ड स्पेलिंग, ओके तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, अगर हमें यूज़र नेम एम्प्टी एम्प्टी डाला है और टेक्स्ट पासवर्ड भी यहाँ पे एम्प्टी हो तो ये मैसेज शो हो जाए यूज़र को, देन अगर हमें सही में पासवर्ड डाला है तो यहाँ पे इलिप वाली कमांड लगाऊंगा मैं, ओके तो इलिप में क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट टेक्स्ट यूज़र ने
मैं एक पासवर्ड रख देता हूँ यहाँ पे, गेट, सर यहाँ पे गेट आएगा, गेट इक्वल इक्वल सर यहाँ पे ओके, क्या हो रहा है यार, गेट देन यहाँ पे ओके इक्वल इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम रख दो तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं कप्पो, यहाँ पे एंड मैं एंड यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे टेक्स्ट यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही चाहिए, इसलिए मुझे एंड लगाना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मुझे सेल्फ ओके, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट पासवर्ड चाहिए डॉट गेट, तो ओके गेट इक्वल इक्वल्स टू मैं पासवर्ड रख देता हूँ अशु ओके ओके देन यहाँ पे कॉलन नीचे, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो कराना होगा अगर ये सही में काम करता हो, अगर ये यूज़र ने हमें यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला हो तो हमें एक मैसेज शो कराए इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में हम सक्सेस लिख देते हैं ओके सक्सेस, तो यहाँ पे एक यूज़र को मैसेज शो हो जाए वेलकम टू कोड विथ किरण चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ओके। तो जब भी हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला हो तो यहाँ पे यूज़र को ये मैसेज शो हो जाए, अगर गलत डाला हो तो इल्स पार्ट में हमें ओके तो यहाँ पे नीचे सॉरी यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ ओके तो मैं यहाँ पे कुछ गलत डाल, अगर यूज़र ने कुछ पासवर्ड गलत डाला हो तो यहाँ पे हमें इल्स पार्ट में एक एरर शो हो जाए, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स तो शायद यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है ओके इल्स पार्ट ओके मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर ओके, तो शो एरर में हमें एरर, तो हम यहाँ पे इनवैलिड कर लेते हैं इनवैलिड ओके, यहाँ पे मैसेज शो हो जाए हमारे यूजर को इनवैलिड यूजर नेम ओके, यहाँ पे यूजर सॉरी यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड ओके। तो यहाँ से हम इसको सही लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस जो फंक्शन है इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा, तो हमें कॉल कहाँ करना है, लॉगिन बटन के अंदर। तो कॉल करने के लिए हमें कमांड की मदद से हम कॉल करते हैं कोई भी बटन, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट जो भी हमारे फंक्शन का नाम है लॉगिन, और यहाँ पे कंट्रोल ईयर पाइथन देन लॉगिन डॉट पी वाई इंटर ओके। यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो इनवैलिड सिंटैक्स ओके, हम देख लेते हैं तो यहाँ पर 71 तो यहाँ पे देखिए ओके तो ये ऐसा नहीं होगा, तो इसको ऊपर लेना होगा हमें ओके कंट्रोल यस और यहाँ से कंट्रोल टील ओके यहाँ पे तो हम यहाँ पे कुछ डाल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ ओके रॉन्ग डाला है मैंने इंटर, तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ना डालो और इन लॉग इन करो तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो ये सही से काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ इन वैलिड पास यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के देखते हैं ओके कप्पो यहाँ पे अश्वता ओके यहाँ पे लॉग इन, तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू कोड विद किरण चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा मैसेज, ये सही तरह काम कर रहा है, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बटन भी बन चुके हैं हमारे, तो हमने लॉग इन सिस्टम बना लिया है बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली। न्यू यूज़र रजिस्टर बटन पर काम करेंगे, उसी के साथ डेटाबेस पर भी काम करेंगे।
न्यू यूज़र रजिस्टर का डेटा MySQL डेटाबेस में स्टोर करेंगे और वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके। तो हमें इस तरह एक विंडो बनानी है रजिस्टर के लिए। तो चलिए हम VS Code में बना लेते हैं। तो हमने VS Code में आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे रजिस्टर नाम की, register.py, ओके इंटर। तो यहाँ पे एक फाइल बना लिया है हमने। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक क्लास बनाना है। इससे पहले हम एक TK मॉडल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो इंपोर्ट फ्रॉम TK इंटर, ओके। देन हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है स्टार। तो TK मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, तो हमें सभी यहाँ से मॉडल इंपोर्ट करने हैं इमेजेस के लिए, TT के लिए। तो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से कॉपी देन पेस्ट, ओके। तो हमें क्या करना है, नीचे एक क्लास बना लेते हैं हम लॉगिन की तरह ही। तो यहाँ पे क्लास का नाम मैं रजिस्टर रख देता हूँ, रजिस्टर, ओके इंटर। हमें क्या करना है, नीचे कंस्ट्रक्शन को इनिशियलाइज करना है। तो हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे इनिट मेथड से हम कंस्ट्रक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सेल पास करना होता है हमें, यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, मगर पाइथन के हिसाब से सेल भी पास करना होता है। तो यहाँ पे सेल, देन हमें विंडो का नाम रखना होता है रूट। तो मैंने यहाँ पे रूट रख दिया। नीचे हमें रूट को इनिशियलाइज करना है, सेल डॉट रूट देन रूट, ओके। हम उसके बाद विंडो का टाइटल देंगे। तो विंडो का टाइटल हम रजिस्टर दे देते हैं। तो यहाँ से सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल। तो टाइटल के मैं से टाइटल देना है हमें। तो यहाँ पे देंगे रजिस्टर, ओके रजिस्टर। देन हमें यहाँ पे ज्योमेट्री देनी है विंडो की, जो भी साइज़ है उसको देनी है हमें, विड्थ और हाइट। तो सेल्फ डॉट रूट देन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री देंगे हम यहाँ पे, ओके इसके अंदर 1600 देन इंटू, मुझे हाइट देनी है, इसकी हाइट दूंगा मैं 900। तो ये विंडो आपकी विंडो के हिसाब से दे दीजिए, मेरी विंडो थोड़ी सी बड़ी है कंप्यूटर की, तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। देन कहाँ से स्टार्ट हो, 0 देन 0, ये एक एक्सेस होती है कहाँ से विंडो स्टार्टिंग पॉइंट हो, और वाई एक्सेस 0 से इस साइड से ओपन हो हमारी विंडो, कहीं से भी बीच में से ओपन ना हो, के यहाँ से 0 से स्टार्ट हो, इसके लिए मैंने 0 दिया है। देन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को ओपन करने मेन लिखना होता है हमें सिंपल मेन, जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन लिखते हैं उसी तरह लिखना होता है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल करना होता है क्लास का, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए पहले रूट, देन यहाँ पे TK, देन हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने आप लिख लिया है। देन क्लास का नाम, तो क्लास का नाम मैंने दिया है रजिस्टर, उसमें रूट पास करना होता है, ओके। देन यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप, अगर मैं बंद क्लोज करूँ विंडो को तभी क्लोज हो जाए, इसीलिए हम मेन लूप लिखते हैं, ओके। तो यहाँ से कंट्रोल एस और यहाँ पे कंट्रोल टिल्ड, तो पहले वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो एक बार मैं यहाँ से आपको एक रन करके दिखाता हूँ पाइथन टर्मिनल से। यहाँ पे रजिस्टर जो भी फाइल का नाम है डॉट, ओके यहाँ पे डॉट py इंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारी विंडो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आई है, तो हमारी विंडो बन चुकी है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें बैकग्राउंड में एक इमेज डालनी है लेबल की मदद से, देन यहाँ पर एक इमेज डालनी है, एंड देन यहाँ पे हमें एक फ्रेम बनानी है हमारी जो रजिस्टर के लिए लेबल्स और एंट्री चाहिए इसके लिए। देन हम बना लेते हैं, इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं और VS Code में चलते हैं हम। तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में एक इमेज डालनी है, उसके लिए हमें, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेल्फ डॉट बैकग्राउंड, ओके बैकग्राउंड इमेज के लिए। देन मैं यहाँ पे
तो मुझे क्या करना है, इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हम टीके, इमेज टीके यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, हमें इमेज, इसके लिए आपको पहले टर्मिनल में जाके इस कमांड को रन करना होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगी, देन इसको इंपोर्ट कीजिए। तो इमेज टीके, इसकी मदद से हम फोटो इमेज की मदद से हमारी जो इमेज है यहाँ पे जो विंडो पर शो कराएंगे। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पाथ देना होता है, तो फाइल। ओके, तो हमें जो हमारी जो इमेजेस हैं यहाँ पे इसी फाइल में, तो मैं यहाँ पे जाके इमेजेस में जाऊँगा, जो हमारा पाथ है यहाँ से कॉपी कर लूँगा पहले, देन मैं टर्मिनल में जाऊँगा, यहाँ से पेस्ट। ओके, देन स्लैश दूंगा जो भी इमेज का नाम है, तो मुझे इस इमेज को शो बैकग्राउंड में डालना है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, देन यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे डॉट करके एक्सटेंशन देना होता है, तो मैं देख लेता हूँ, जेपीजी इमेज है, तो यहाँ पे जेपीजी इमेज डॉट जेपीजी। ओके, तो पाइथन में क्या होता है, जब भी हम फाइल यहाँ पे पार्ट डालते हैं तो बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना होता है। तो दो मेथड होती है, यहाँ से स्लैश आप बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आके यहाँ पे आर लिख लीजिए, तो ये सब बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें इस इमेज को लेबल की मदद से विंडो पर शो कराना है, तो हम यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं बैकग्राउंड नाम का। ओके, यहाँ पे वेरिएबल में हम लेबल लेंगे, तो ये लेबल टीके इंटर मॉडल में बहुत सारे टूल्स पार होते हैं, उसी के तरह एक लेबल भी है। तो हमें लेबल कहाँ बनाना है, सेल्फ डॉट रूट के अंदर। ओके, तो इस लेबल में हमें इमेज डालनी है, तो इमेज की मदद से हम इमेज डालेंगे, इमेज हमारी कहाँ पे, सेल्फ डॉट बीजे में, सॉरी यहाँ पे सेल्फ डॉट बीजे। देन हम इस लेबल को प्लेस करेंगे, तो हमें पूरे विंडो में प्लेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड डॉट, ओके सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड लेबल डॉट प्लेस, तो हम प्लेस करेंगे एक्स एक्सिस से 0। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, देन वाई एक्सिस देनी होती है हमें, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो, रिलेशन विथ। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको रिलेशन विथ क्या होती है, तो 1 देता हूँ मैं, रिलेशन हाइट, ओके GST हाइट 1। तो ये रिलेशन विथ और रिलेशन हाइट ये होती है, जितनी हमारी मेन विंडो है उसी की तरह जो भी हमने इमेज डाली है उसकी तरह प्लेस हो जाए, उसकी जितनी विंडो है उतनी प्लेस हो जाए। तो यही काम करता है ये रियल विथ और रियल हाइट। तो हम कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करते करके देखते हैं, तो यहाँ से रन, तो यहाँ से कुछ एरर शो हो रहा है। ओके, लेबल इज नॉट डिफाइन। ओके, तो यहाँ पे लेबल का एल पहले कैपिटल आएगा, एल लेबल, कंट्रोल यस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने इमेज डाली है पूरे विंडो में सेट हुई है, तो इसी को रिलेशन विड्थ और रिलेशन हाइट बोलते हैं। तो यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो मुझे क्या करनी है, एक फ्रेम बनाना है और एक लेफ्ट साइड में एक इमेज डालनी है, तो इसी की तरह, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, तो मैं इसकी थोड़ी सी, ओके यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ पहले, यहाँ से ऊपर। ओके, तो ये लेबल इमेज है, बैकग्राउंड इमेज, तो इसको कमेंट कर लेता हूँ, देन मुझे इसी को कॉपी करना है, इसी की तरह नीचे एक लेफ्ट साइड में एक इमेज डालनी है, तो यहाँ पे ओके लेफ्ट लेफ्ट इमेज। ओके, तो मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे लेबल बैकग्राउंड लेबल की जगह मैं यहाँ पे लेफ्ट, देन हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज 1, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, सभी नाम चेंज करना है मुझे सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड 1। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हो,
50, देन ये ऊपर से थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो यहाँ से नीचे आने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100। वाई से थोड़ा सा नीचे आ जाए, और इसकी वीटा और हाइट देनी होती है हमें, रिलेशन वीटा और रिलेशन हाइट नहीं देनी है, पूरे विंडो में फैलाना नहीं है इसको। तो इसकी वीट देता हूँ मैं, तो कितनी वीट होनी चाहिए इसकी, तो वीट मैं 470 कर लेता हूँ, और यहाँ से हाइट भी कर लेता हूँ इसकी, तो 550 कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे इमेज देनी है यहाँ पे, चेंज करनी है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा और कि कौन सी इमेज देनी है वो देख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ओके, तो आप डाउनलोड कर लीजिए कोई भी इमेजेस, तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज दे देता हूँ, एक यहाँ पे JPG दे देता हूँ गर्ल्स की। कॉपी, देन यहाँ से ओके, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ पेस्ट, Ctrl+S और यहाँ से रन। ओके, तो यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है हमारी, अगर ये एक ही कलर की हो चुकी है तो मुझे दूसरी चाहिए इमेज। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सी इमेजेस है, तो ओके, तो यहाँ पे इतनी सारी है तो मैं इसको डाल देता हूँ। ओके, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। मुझे पूरा पाथ चेंज नहीं करना चाहिए, करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एक ही इमेजेस यहाँ पे, इमेजेस फोल्डर में सभी इमेजेस एक ही फोल्डर में है, इसीलिए मुझे सिर्फ नाम ही चेंज करना है और एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पे Ctrl+S और यहाँ से रन। ओके, तो यहाँ पर इमेज आ चुकी है, तो हमें इसके साइड में एक फ्रेम बनाना है, तो हम वो भी फ्रेम बना लेते हैं जल्दी से। तो ओके, यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से, तो फ्रेम बनाने के लिए, फ्रेम जो TK इंटर मॉडल है उसमें फ्रेम भी होती है, तो हम उसकी मदद से हम फ्रेम बनाते हैं। तो फ्रेम बनाने के लिए तो मैं नाम रख देता हूँ मैं फ्रेम, ओके इक्वल्स टू, तो फ्रेम की मदद से फ्रेम बनाएंगे। जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो सजेस्ट कर रहा है कि देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है फ्रेम। तो यहाँ पे जब भी हम लेबल यहाँ पे फ्रेम या कुछ भी लिखते हैं, तो फर्स्ट जो भी इसका जो अल्फाबेट होता है कैपिटल होता है, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने फ्रेम दिया है मगर ये स्मॉल है, और यहाँ पे देखिए ये कैपिटल है। ओके, तो हमें फ्रेम कहाँ पे बनाना है, सेल्फ डॉट रूट के अंदर, सेल्फ डॉट रूट, देन हमें फ्रेम की मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, पहले बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। ओके, तो वीटा और हाइट हमें यहाँ पे प्लेस में देना होता है, फ्रेम फ्रेम डॉट प्लेस, सॉरी यहाँ पे प्लेस, तो प्लेस में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस देनी होते हैं, तो एक्स एक्सेस कर लेता हूँ। इस इमेजेस से यहाँ पे एक्स है, उसकी जो वीट है और इसकी जो एक्स एक्सेस स्टार्टिंग हुई है, इसको कैलकुलेशन प्लस करके यहाँ पे हमें थोड़ा इसके आगे का देना होता है। तो यहाँ पे देखिए 470 देन 50 कितना होता है, यानी 520। ओके, तो मैं 520 से आगे देना है मुझे, तो 520 मैं उसी को स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से ही देना है मुझे। देन मुझे वाई सेम रहेगी, तो वाई मुझे कितना देना है, 100। ओके, तो विड्थ और हाइट देनी है मुझे सिर्फ, तो विड्थ हाइट में अपने हिसाब से दे सकते हैं आप, तो मुझे क्या करना है, विड्थ और हाइट देनी है, तो मैं विड्थ कर लेता हूँ इसकी, ओके 800, देन हाइट कर लेता हूँ, तो हाइट होगी मेरी 550। ओके, तो सेम हाइट होनी चाहिए हमारी, Ctrl+S और यहाँ से रन। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्रेम है, तो फ्रेम बन चुकी है रजिस्टर वाली, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेबल चाहिए रजिस्टर हेयर नाम का, तो पहले हम लेबल बना लेते हैं, देन हम नीचे लेबल्स और एंट्री बना लेंगे, तो इसको क्लोज कर लेते हैं, तो हम लेबल बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट कर लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे कमेंट, तो यहाँ पे मेन फ्रेम, ओके, तो यहाँ पे लेबल बनाएंगे हम, तो यहाँ पे ओके लेबल, रजिस्टर वाला लेबल चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं रजिस्टर, यहाँ पे लेबल,
तो हमें लेबल कहाँ पे बनाना है, फ्रेम के अंदर ना कि रूट में। तो फ्रेम हमारा, फ्रेम का नाम क्या है, फ्रेम, स्मॉल फ्रेम। देन हमें जो लेबल बनानी है तो लेबल का नाम रखना होता है। तो लेबल का नाम हम टेक्स की मदद से नाम देते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर, ओके कैपिटल करना है मुझे, ओके रजिस्टर, ओके हेयर। तो इसका टेक्स दिया है हमने, तो टेक्स की फाउंड फैमिली भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम फाउंड फैमिली भी देंगे, फाउंड। देन यहाँ पे फाउंड फैमिली हमें फाउंड का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, ओके। देन हमें इसकी साइज देनी होती है फाउंड की, मैं 20 कर लेता हूँ। देन यहाँ पे स्टाइल देनी होती है, बोल्ड, ओके। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और फॉरग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हम। तो मुझे बैकग्राउंड कलर, तो ओके तो मैं फॉरग्राउंड कलर देता हूँ। तो फॉरग्राउंड कलर हम करते हैं यहाँ पे, ओके ग्रीन करते हैं। देन हम इसे प्लेस करके देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारा लेबल। तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, ओके रजिस्टर लेबल, ओके डॉट प्लेस। तो प्लेस हम एक्स एक्सिस से करेंगे, थोड़ा सा आगे जाए लेबल के अंदर, 20 वाई। तो वाई भी 20 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। तो हमने यहाँ पे लेबल ही नहीं लिखा है, ओके लेबल, ओके कंट्रोल एस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेबल आ चुका है, मगर यहाँ पे बैकग्राउंड, लेबल का बैकग्राउंड जो है वो ग्रे आ चुका है। इसका बैकग्राउंड हमें वाइट चाहिए, तो हम उसको भी वाइट कर लेते हैं पहले, ओके ओके। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमें वाइट, ओके मैं इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेता हूँ, डार्क ग्रीन, कंट्रोल एस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे देखिए आप सही दिख रहा है। तो ये लेबल बन चुका है, तो हमें क्या चाहिए, एंट्री फील्ड चाहिए। यहाँ पे एक लेबल्स और एंट्री फील्ड, यहाँ पे एक लेबल्स और यहाँ पे एंट्री फील्ड्स। तो हम लेबल्स एंट्री फील्ड बना लेते हैं, तो इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ पहले, लेबल्स एंड एंट्रीज, एंट्री, ओके। तो यहाँ पे नीचे, तो मुझे नीचे इसके अंदर ही, इस फ्रेम के अंदर ही हमें एंट्री फील्ड्स और लेबल चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लेबल सेट करनी है, तो मुझे फर्स्ट नेम इस लेबल को सेट करना है। तो फर्स्ट नेम के लिए मैं ये नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लेबल की मदद से लेबल सेट करनी है। तो लेबल कहाँ पे डालनी है मुझे, फ्रेम के अंदर, ओके। देन फ्रेम के अंदर लेबल हमें डालनी है, यहाँ पे आएगा फ्रेम। देन यहाँ पे हमें टेक्स्ट देनी होती है, तो लेबल की टेक्स्ट देनी है मुझे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ओके। तो मुझे फाउंड भी देनी है इसकी, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ फाउंड, फाउंड एंड बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे पेस्ट, ओके। तो मुझे फॉरग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आएगा, ओके। देन यहाँ पे प्लेस करना है मुझे, तो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू डॉट प्लेस। तो यहाँ पे ग्रिड कर सकता था मैं, फिर भी मैं प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिश डिज़ाइन बनानी है। प्लेस हमें यूज़फुल होता है, कहीं पे भी हम प्लेस कर सकते हैं लेबल को, तो इसकी मदद से हम करेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू 50 प्लेस के अंदर कर रहे हैं, इसलिए ये फ्रेम के अंदर कर रहे हैं, इसलिए कम इसकी एक्स एक्सिस आएगी। देन हमें वाई एक्सेस देनी है, ऊपर से भी आनी चाहिए, तो मैं वाई एक्सेस दे देता हूँ 100, ओके। देन यहाँ पे कंट्रोल यस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आ चुका है, मगर यहाँ पे बहुत इसकी जो फाउंड साइज है बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं इसकी फाउंड कर लेता हूँ 50, ओके कंट्रोल यस यहाँ से रन। सॉरी यहाँ पे बहुत ही छोटा हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे,
20 सफिशेंट होगी, कंट्रोल एस और यहाँ से रन। ओके ठीक है। अभी तो मुझे यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, एक एंट्री फिल भी चाहिए, तो एंट्री फिल भी बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे जाएंगे तो हम नीचे एक एंट्री फिल बनाएंगे इस फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट को इंटर करने के लिए। तो एंट्री फिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री फिल की मदद लेनी होगी। तो हम यहाँ पे एक नाम लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, तो ये नेम, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम एंट्री, ओके देन यहाँ पे इक्वल्स टू। तो एंट्री फिल हम टी टी के मदद से एंट्री फिल बनाएंगे, थोड़ी स्टाइलिश आती है गूगल जैसे। ओके यहाँ पे एंट्री, तो हमें फ्रेम के अंदर एंट्री बनानी है। ओके तो इसके अंदर जो भी हमारी जो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे कॉपी करेंगे इस चीज़ के। ओके कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। तो इसे हमें प्लेस करना होगा, मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए क्योंकि एंट्री फिल में होगा ऑलरेडी। फ्रेम देन एंट्री, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ देन यहाँ पे पेस्ट देन प्लेस। तो प्लेस जो एक्स एक्स पॉइंट होगा इसका सेम होगा ऊपर वाला ही, एक्स इक्वल्स टू 50। ओके देन वाई मुझे चाहिए, यहाँ पे वाई मुझे थोड़ा सा लेबल से नीचे आना चाहिए, तो 130 कर लेता हूँ मैं। देन इसकी जो हमें जो एंट्री फिल की विथ और हाइट देनी होती है, तो विथ तो कितनी विथ होनी चाहिए इसकी, 250। ओके मुझे हाइट नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे फाउंड दे दिया है ऑलरेडी, तो इसकी साइज से वो साइज ले लेगा। कंट्रोल यस और यहाँ से मैं डायरेक्ट रन कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे आ चुकी है एंट्री फिल, मगर ये एंट्री फिल जो है बहुत बड़ी आ चुकी है, थोड़ी सी मैं इसको छोटी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ही कम कर लेता हूँ इसकी साइज, यहाँ पे 20 कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा 15, देन इसको भी मैं कम कर लेता हूँ 15। ओके कंट्रोल यस और यहाँ से रख। ओके अब सही है, परफेक्ट। तो मुझे ऐसे ही फील बनानी है, यहाँ पे एक फील बनानी है देन नीचे भी बना लेनी है, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ, तो मैं वेस्ट में चलता हूँ। तो मैंने सभी लेवल्स और एंट्री बना ली है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम के लिए बनाया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट नेम वाला बनाया है मैंने, उसके साइड में जो भी फर्स्ट कॉलम है, सेकंड एक सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आएगा, और ये जो है सेकंड कॉलम में आएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले, तो यहाँ से रन, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम देन ये सेकंड कॉलम देन यहाँ पे नीचे सेकंड रो, मतलब ये फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड रो होगा। यहाँ पे मैंने जो कॉम्बो बॉक्स बनाना है इसके लिए मैंने एम्प्टी रखा है, क्योंकि आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो थर्ड रो है, यहाँ पे क्या है फोर्थ रो, मैंने फोर्थ रो वाइज यहाँ पे बांटा है इसको। और ये जो है ये फर्स्ट कॉलम देन यहाँ पे सेकंड कॉलम। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सभी एंट्री फील्ड्स और लेबल्स। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो ये फर्स्ट रो में जो भी है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहाँ पे नीचे सेकंड रो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट और ईमेल है इसके बाद। देन थर्ड रो में हमें सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद हमें यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लेबल्स और एंट्री देख लीजिए। तो मैं आपको सिर्फ धीरे धीरे करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो कोऑर्डिनेट है तो सेम ही है, फर्स्ट रो में जो है वही सेम है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक कॉम्बो बॉक्स बनाना है, तो कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हमें टी टी की के अंदर कॉम्बो बॉक्स होता है, तो हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेल्फ डॉट सेलेक्ट कॉम्बो नाम का। ओके तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम कॉम्बो सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन। देन हम टी टी के मदद से कॉम्बो बॉक्स लेंगे, कॉम्बो बॉक्स। देन हमें कहाँ पे बनाना है, फ्रेम के अंदर। तो इसकी जो हमें क्या करना है अभी, अंदर फाउंड साइज देनी है।
तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। ओके तो हमें नीचे क्या देनी होती है, वैल्यूज देनी होती है, सेल्फ डॉट जो भी हमारा नाम है कॉम्बो बॉक्स क्वेश्चन डॉट डॉट नहीं यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे वैल्यूज देनी होती है हमें। ओके वैल्यूज वैल्यूज देन हमें वैल्यूज कहाँ पे पास करनी होती है, यहाँ पे टपल की माध्यम से पास करनी होती है, तो हमें पास करने हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट दे देता हूँ ऑप्शन के लिए, देन यहाँ पे योर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, योर बर्थ प्लेस। ओके मैं बर्थ प्लेस पूछ देता हूँ, बर्थ प्लेस देन यहाँ पे योर गर्ल फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड्स हो गया यार। ओके यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स नेम देन यहाँ पे योर पेट नेम वाई वो यू आर। ओके तो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज दी है इसके हिसाब से सिलेक्शन होगा और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है अभी नीचे इसको प्लेस करना है। ओके तो हम प्लेस करेंगे सेल्फ डॉट यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है डॉट यहाँ पे हमें प्लेस कहाँ पे करना है, तो प्लेस के लिए एक्स एक्सेस सेम रहेगा 50, देन वाई एक्सेस हमें नीचे चाहिए थोड़ा सा, तो वाई एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे 270 ले लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सेट कर ली है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दे पा रहा हूँ। अगर आपको एक्सेस यानी कोऑर्डिनेट समझ में आ गए तो ये बहुत ही ईजी है। तो वीट मैं दे देता हूँ इसकी सेम देनी है हमें 250। ओके सबकी वीट सेम ही रहेगी। कंट्रोल लेयर्स और यहाँ से रन करेंगे हम। ओके तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सभी वैल्यूज आ चुके हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे राइट टेबल हो जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं जब भी ओपन करूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रन, तो यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम वेस्टकोड में चलते हैं। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ स्टेट, मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टेट क्या यार स्टेट देन मुझे चाहिए सिर्फ रीड ओनली। ओके रीड ओनली और यहाँ से मुझे चाहिए करंट, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेल्फ डॉट कॉम्बो क्वेश्चन डॉट करंट, तो करंट मुझे 0 चाहिए। देखिए टपल में क्या होती है, जो भी हमारी जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमें करंट में चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल यस यहाँ से रन, तो यहाँ पे देखिए करंट में जो भी टपल में वैल्यू है वो फर्स्ट यहाँ पे करंट में सेलेक्ट होके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने करंट लिखा है वहाँ पे। तो ओके ये परफेक्टली बन चुका है। तो हमें क्या चाहिए, नीचे एक चेक बॉक्स चाहिए देन हमें बटन चाहिए दो, तो हम चेक्स बॉक्स बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे चेक बटन बनाना है नीचे, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ चेक बटन। ओके तो यहाँ पे कमेंट देन नीचे, तो चेक बटन बनाने के लिए हमें टीटी के की यानी कि टी के इंटर में बहुत से मैंने पहले कहा था कि टूल्स बार होते हैं, तो उसके मदद से हम चेक बटन भी होता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं चेक बटन। ओके तो चेक बटन होता है यहाँ पे चेक बटन नाम से। ओके तो यहाँ पे चेक बटन देन हमें चेक बटन कहाँ पे बनाना है, फ्रेम के अंदर। ओके तो हमें टेक्स्ट देनी होती है यहाँ पे, तो टेक्स्ट देता हूँ मैं आई एग्री। ओके आई एग्री द टर्म्स प्रोवाइडेड
टर्म्स एंड कंडीशन। ओके तो मैं यहाँ पे एंड कर लेता हूँ ऐसा ही। ओके एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, देन हमें यहाँ पे फाउंड देनी है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहीं से कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। ओके तो सेम, तो हमें इसको भी प्लेस करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेता हूँ मैं चेक बटन। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ नहीं लगाया क्योंकि मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए इसका, तो मुझे प्लेस करना है। ओके तो प्लेस करने के लिए एक्स एक्सेस 50 से स्टार्ट होगा। ओके तो मुझे एक्स एक्स यानी कि वाई एक्सेस चाहिए कॉमा वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस देखिए लास्ट जो मैंने कॉलम या एंट्री फिल लिखे है यहाँ पे देखिए इसकी जो वाई एक्सेस है 340 से स्टार्ट हो रही है नीचे। ओके तो मुझे इसके नीचे चाहिए ये जो बटन है चेक बटन, तो मैं इसको 340 कर लेता हूँ। ओके इसकी जो विड्थ है तो मुझे विड्थ तो नहीं चाहिए क्योंकि बटन है। ओके कंट्रोल एस, विड्थ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे फाउंड दिया है मैंने यहाँ पे फाउंड के हिसाब से 15 इसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। ओके कंट्रोल यस और यहाँ से रन। ओके तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे जो पासवर्ड है पासवर्ड के साइट में ये एग्री द टर्म और कंडीशन आ चुका है तो मुझे इसके नीचे चाहिए। ओके ठीक है तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, तो इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कन्फर्म पासवर्ड है इसका जो लेबल है तो 340 के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है टेक्स्ट पासवर्ड इसकी जो वाई एक्सिस दी है मैंने 340 दिया है और इसी के भी 340 हो चुके हैं इसीलिए उसके ऊपर आ चुका है ये, तो मुझे इसके नीचे चाहिए। ओके ठीक है तो मैं यहाँ पे 380 कर लेता और यहाँ पे कंट्रोल एस यहाँ से रन। ओके अब परफेक्ट है, यहाँ पे देखिए तो ये बटन हमारा चेक बटन भी आ चुका है। तो चेक बटन में हमें कुछ रह गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देना होता है चेक बटन में ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू देनी होती है। ऑन वैल्यू और वाई ऑफ वैल्यू क्या होती है, जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको रन करके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करो तो ऑन वैल्यू होगी 1, अगर यहाँ पे मैं चेक बटन क्लिक ही ना करो तो ऑफ वैल्यू होगी 0। तो इस तरह होता है, मुझे यहाँ पे देना होगा। ओके तो यहाँ पे ऑन वैल्यू, तो ऑन वैल्यू देनी है मुझे 1, तो ऑफ यहाँ पे ऑफ वैल्यू भी देनी होती है यहाँ पे, तो ऑफ वैल्यू देनी होती है 0। ओके कंट्रोल एस और यहाँ से रन करेंगे हम, तो ओके तो मैं इसकी थोड़ी सी फाउंड भी कम कर लेता हूँ, तो मुझे फाउंड कम करनी है इसकी, मैं 12 कर लेता हूँ। ओके कंट्रोल एस और यहाँ से रन, अब परफेक्ट है। ओके तो हम नीचे बटन बना लेंगे, बटन हमें किसकी मदद से बनानी है, इमेज की मदद से, तो हम बटन यहाँ से बनाएंगे। तो मुझे यहाँ पे बटन बनाने के लिए फर्स्ट तो मैं कमेंट कर लेता हूँ बटन्स। ओके बटन्स तो हमें बटन बनाने हैं, तो सेम हमें बटन बनाने के लिए इमेज लेने होंगे, तो हमें फर्स्ट इमेज को रिसाइज करना होगा क्योंकि रिसाइज कितनी बड़ी है इमेज या कितनी छोटी हमें पता नहीं है। जब हम ऊपर यहाँ पे प्लेस किया लेबल की मदद से प्लेस किया था तो हम डायरेक्ट कर लिया था, इसको रिसाइज नहीं किया था, तो मुझे यहाँ पर रिसाइज करना होगा पहले इमेज को। तो इसके लिए हमें सेकंड मेथड लेनी होगी, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इमेज नाम का, देन हमें यहाँ पे इमेज इमेज की मदद से जो भी ओके इमेज देन डॉट ओपन करना होगा पहले हमें इमेज को। तो ओपन करने के बाद हमें पाथ देना होता है यहाँ पे, तो डायरेक्ट पाथ देना होता है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से ओके इसी का पाथ देना है, देन
यहाँ पे पेस्ट, ओके। तो यहाँ पे स्लैश देंगे, बैक स्लैश, यहाँ पे जो इमेज का नाम है, तो मैं यहाँ पे कौन सी इमेज देने वाला हूँ, ओके यहाँ पे है, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। तो इसका जो एक्सटेंशन है, तो मैं देख लेता हूँ एक्सटेंशन क्या है, तो JPG है, ओके, तो .jpg। देन तो हम इसके बाद इमेज को रिसाइज करेंगे, इमेज को रिसाइज करने के लिए इमेज इक्वल्स टू इमेज, देन यहाँ पे रिसाइज करना है हमें, रिसाइज की मदद से रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज, ओके। तो रिसाइज में हमें विड्थ और हाइट देनी होती है, तो विड्थ दे देता हूँ मैं 100 और हाइट दे देता हूँ मैं 50 कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमें इमेज, तो मैं बताता हूँ आपको, डॉट एंटीलाइज, ओके। तो जो इमेज एंटीलाइज होता है, जो इसका काम क्या होता है, जो हाई लेवल की इमेज होती है उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल में, ओके। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ पहले यहाँ से भी, ओके। तो रिसाइज हो चुकी है हमारी इमेज, हमें वेरिएबल में स्टोर करना होगा पहले, सेल्फ डॉट फोटो इमेज, ओके, मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे फोटो इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, इमेज टी के डॉट, देन हमें फोटो इमेज की मदद से हमारी जो फोटो यहाँ पे इमेज है इसको हमें इसमें डालना है, ओके, इमेज, देन हम बटन की मदद से हमारे फ्रेम के अंदर इमेज को शो करेंगे, ओके। तो हमें बटन बनाना होगा नीचे, तो बटन बनाने के लिए हमें B1 रख देता हूँ मैं, बटन 1, ओके। तो बटन की मदद से हमें बटन बनाएंगे, बटन हमें कहाँ पे बनाना है, फ्रेम के अंदर, देन तो हमें क्या करना है, बटन का नाम तो ज़रूरी नहीं है हमें देना अभी, क्योंकि बटन का नाम ऑलरेडी हमारी इमेज पर यहाँ पे रजिस्टर ना होगा, तो इसके लिए मुझे नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इमेज को सिर्फ यहाँ पे प्लेस करना है, ओके, यहाँ पे स्मॉल में इमेज आएगा, यहाँ पे कैपिटल आप मत लिखिए, तो स्मॉल इमेज, सॉरी यहाँ पे Ctrl+S, तो इसके आगे जो भी इमेज का नाम है, सेल्फ डॉट फोटो इमेज, तो मैं इसमें स्टोर कर लिया है पहले इमेज को और यहाँ पे शो कराया है। देन हमें बॉर्डर विथ 0, तो मैंने पहले ही आपको पहले लॉगिन वीडियो में बताया था कि बॉर्डर विथ क्या होती है, जो भी बॉर्डर होती है, जो भी इमेज की बॉर्डर होती है इसको बॉर्डर की 0 विथ करती है। देन हम उसके बाद एक कर्सर बनाएंगे, और यहाँ पे कर्सर नहीं, तो यहाँ पे, ओके, यहाँ, तो देन उसके बाद हमें कर्सर देंगे, कर्सर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हैंड देना होता है हमें, हैंड टू, तो मैं आपको बताता हूँ कर्सर क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे हम प्लेस करेंगे button1.place, ओके, तो प्लेस करेंगे हम कहाँ पे, तो प्लेस हम एक्स एक्सेस से करेंगे 10, देन वाई एक्सेस से करेंगे 470, तो नीचे आना चाहिए नीचे। तो देन हम यहाँ पे इसकी वीट भी दे देते हैं, तो वीट कर लेता हूँ मैं 300, Ctrl+S, और यहाँ से मैं रन करूँगा इसको, तो यहाँ पे देखिए बटन आ चुका है, मगर बटन की थोड़ी सी वीट कम हो चुकी है, तो मैं इसकी थोड़ी सी वीट बढ़ा लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से इसकी जो वीट बढ़ानी है रिसाइज इमेज से, तो मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ, ओके, Ctrl+S, और यहाँ से रन, तो यहाँ पे देखिए आप सही है, रजिस्टर नाउ। तो मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, जब भी मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लूँ तो उसके बाद मुझे लॉगिन बटन पर जाने के लिए एक बटन चाहिए, तो यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ मैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl, और यहाँ से तो पेस्ट, ओके। तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, आल दबा के यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, Ctrl जैसे आल दबाए सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ,
और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना है, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ नाम वन। ओके तो मुझे यहाँ पे इमेज की इमेज का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए लॉग इन नाउ। ओके तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे इसके बाजू में ओके यहाँ पे मुझे चाहिए देन पेस्ट। ओके तो यहाँ पे जो चाहिए मुझे एक्स, तो मुझे एक्स एक्सिस थोड़ा सा आगे चाहिए, तो मैं 330 कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एस यहाँ से रन। तो यहाँ पे बोल रहा है नो फाइल डायरेक्टरी। ओके तो यहाँ पे गड़बड़ है हो चुकी है हमारी, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इमेज। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सटेंशन है PNG इमेज है, तो हमने यहाँ पे डाला है JPG, तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज करना होगा PNG। ओके और यहाँ पे कंट्रोल यस और यहाँ पे कंट्रोल टिल्ड और यहाँ पे अप बटन और इंटर। तो यहाँ पे देखिए ये भी बटन आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए जो बटन की विड्थ है यहाँ पे बाहर आ रही है, यहाँ पे देखिए ग्रे कलर में, तो मुझे इस विड्थ को कम करनी है। तो इसकी बटन की जो रिसाइज मैंने दी है विड्थ, उसी के साइज से मुझे देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो बटन की विड्थ है यहाँ पे बाहर आ रही है, यहाँ पे देखिए ग्रे कलर में, तो मुझे इस विड्थ को कम करनी है। तो इसकी बटन की जो रिसाइज मैंने दी है विड्थ, उसी के साइज से मुझे देनी होगी। तो ये देखिए मैंने विड्थ दी है 300, तो इसको मैं 2200 कर लेता हूँ, इसकी विड्थ की तरह ही रिसाइज की तरह ही, तो इसको चेंज कर लेता हूँ। ओके 200 कंट्रोल एस और यहाँ से रन। तो ये रजिस्टर विंडो परफेक्टली बन चुकी है, तो हमें इसकी फंक्शनलिटी पर काम करना है, साथ इस इन फील्ड का डेटा हमें डेटाबेस में इंटर करना है, ऐड करना है। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं। हमें सबसे नीचे यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेरेशन करना होगा रजिस्टर वाले बटन पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट कर लेता हूँ फंक्शन। ओके डिक्लेरेशन ओके यहाँ पे कमेंट। तो यहाँ पे हम कमेंट फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें डिफाइन लिखना होता है, देन फंक्शन का नाम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर डेटा। ओके देन यहाँ पे सेल्फ पास कर लेता हूँ और नीचे। तो हमें टेक्स्ट वेरिएबल से डेटा ऐड करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट वेरिएबल बनाने होंगे, तो हम सबसे ऊपर जाके यहाँ पे हम टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे। एंट्री फील्ड से हमें डेटा लेने के लिए टेक्स्ट वेरिएबल बनाने होंगे, तो यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ वेरिएबल्स। ओके तो यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे हम नीचे, तो इसे कमेंट कर लेता हूँ पहले। ओके तो हमें फर्स्ट वेरिएबल क्या बनाना है, तो हम सेल्फ की मदद से बनाएंगे सेल्फ डॉट, तो फर्स्ट नेम बनाना है तो वेरिएबल, देन यहाँ पे फर्स्ट नेम तो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप देना होता है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे हम, तो हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना, तो इंट वेरिएबल नहीं लेना है हमें, तो ऐसे ही वेरिएबल मैं जल्दी से बना लेता हूँ नीचे भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट वेरिएबल सभी बना लिए हैं सबके, तो मुझे इस वेरिएबल को टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से एंट्री फील्ड में इंटर करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम एंट्री फील्ड में, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम की एंट्री फील्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे भी फ्रेम के आगे आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से हम यहाँ पे डालते हैं। ओके यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से हम वेरिएबल यहाँ में एंट्री फील्ड में डालते हैं, तो डालेंगे हम टेक्स्ट वेरिएबल। ओके तो यहाँ पे हम सेल्फ की मदद से डालेंगे सेल्फ डॉट वेरिएबल फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे तो मुझे सभी एंट्री फील्ड में डालना है, तो मैं जल्दी से डाल लेता हूँ। तो मैंने सभी एंट्री फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल डाल लिए है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो देख लीजिए वीडियो पॉज करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो सभी एंट्री फील्ड कॉम्बो बॉक्स में भी डाला है मैंने टेक्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट वेरिएबल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो भी हमें जिस फील्ड से भी डेटा लेना है उसमें मैं टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से हमारा वेरिएबल डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए
तो मैं चेक बटन के लिए ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भूल गया था, तो मैंने यहीं पे डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए चेक वेरिएबल इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर वार लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू है तो 1 और 0 है, तो मुझे इंटीजर पर काम करना है, इसलिए मैंने इंटीजर वेरिएबल लिखा है यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट वेरिएबल नहीं लिखना होता है यहाँ पे, सिर्फ वेरिएबल से हम डेटा यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लिखिए, तो वेरिएबल, ओके। तो इसकी मदद से हम इसका डेटा लेंगे, जो भी 0 और 1 वैल्यू है। तो हम नीचे जाएंगे, जो जहाँ पर हमने फंक्शन लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ वैलिडेशन लगानी है। तो एंट्री फील्ड में जब भी हम डेटा डालें तो कुछ वैलिडेशन लगे, तो हमें सेल्फ डॉट, तो फर्स्ट फर्स्ट नेम पर भी लगाएंगे हम, ओके, वेरिएबल यहाँ पे फर्स्ट नेम, ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम डॉट गेट, गेट की मदद से हम डेटा लेते हैं। देन इक्वल इक्वल्स टू, ये फील्ड, अगर वेरिएबल फर्स्ट नेम वाली फील्ड अगर यहाँ पे एम्प्टी हो, और एक कर लेता हूँ मैं, और अगर यहाँ पे सेल्फ डॉट, देन मैं यहाँ पे ईमेल कर लेता हूँ, ओके, ईमेल, ईमेल वेरिएबल डॉट गेट इक्वल इक्वल्स टू, अगर ये भी एम्प्टी हो, देन और एक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं कर लेता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला एक कर लेता हूँ, तो सेल्फ डॉट, देन यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, देन सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर ये तीनों सेलेक्ट, यहाँ पे तीनों यूज नहीं है, ओके, मैंने एम्प्टी दिया है, अगर डाला नहीं है, तो यहाँ पे भूल गया मैं, गेट देन इक्वल इक्वल्स टू, तो फर्स्ट जो भी हमारे जो इंडेक्सिंग पॉइंट है, यहाँ पे सेलेक्ट लिखा है, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट लिखा है, तो अगर फर्स्ट सेलेक्ट ही हो, तो हमें सेलेक्ट की जगह क्या सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए योर बर्थ प्लेस या योर गर्लफ्रेंड नेम या योर पेट नेम, तो ये सेलेक्ट किया तो ये ठीक है, नहीं तो सेलेक्ट यहाँ पर ऑप्शन और ऑलरेडी है, तो हमें कुछ मैसेज की मदद से कुछ वैलिडेशन आ जाए। तो मैसेज के लिए हमने ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपोर्ट किया है फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, तो आप भी कर लीजिए इंपोर्ट। देन हमें यहाँ पर मैसेज शो कराना है यूज़र को, तो मैसेज बॉक्स की मदद से शो कराएंगे, तो मुझे एरर शो कराना है, ओके। तो फर्स्ट हमें कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर मैसेज, देन यहाँ पे हमें यूज़र को मैसेज देना है कि हमें बोलना है उसको कि ऑल फील्ड्स, ओके, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके, तो ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ये हो गई टर्म्स। तो हमें अगली टर्म्स देनी है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये पासवर्ड हमने 1 लिखा और ये पासवर्ड हमने 2 लिखा, तो हमें एरर शो होना चाहिए कि बोथ, यानी कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम, ओके। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इलिप्स की मदद से, तो सेल्फ डॉट यानी कि पासवर्ड, तो मुझे पासवर्ड यहाँ पे लेना होगा, पासवर्ड डॉट गेट, देन मुझे क्या करना है आगे, इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, अगर ये दोनों इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे मुझे क्या कर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स लेना होगा, तो मैसेज बॉक्स लेंगे हम शो एरर। तो इस मैसेज बॉक्स में मुझे, तो मैं यहाँ पे मैसेज कुछ भी दे सकते हैं हम, तो एरर दे देता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे एरर, देन यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर मैसेज कौन सा देना होगा, इस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं है तो मैसेज आ जाए यूज़र को, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड एंड कंफर्म पास, ओके, पासवर्ड मस्ट बी सेम, ओके,
ओके तो यूजर को ये मैसेज शो करेगा और एक हमें वैलिडेशन लगानी है अग्री और टर्म्स के लिए। तो चेक बटन के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे इलिप, ओके यहाँ पे इलिप्स। तो यहाँ पर चेक बटन का वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ, यहाँ पे चेक, ओके वेरिएबल चेक। देन यहाँ पर गेट लेंगे, इसका डेटा लेंगे हम, देन इक्वल इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर तो हमने जीरो क्यों लिखा है, यहाँ पर एम्प्टी क्यों नहीं लिखा है, तो हमें इंटीजर पर काम करना है। ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू इसकी जीरो और वन है, इसीलिए हमने जीरो यहाँ पे लिखा है, ऑफ। तो हम नीचे यहाँ पर मैसेज देंगे, तो मैसेज की मदद से मैसेज यहाँ पर शो एरर, तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट हम जो भी वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एरर ही लिख लेता हूँ, ओके। देन यहाँ पर हमें यूज़र को मैसेज शो कराना है, अगर ये एग्री नहीं करता है चेक बटन को, तो यहाँ पर मैसेज को एक मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मैसेज करेंगे, ओके यहाँ पर प्लीज एग्री और टर्म्स, ओके टर्म्स आएगा यहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर यूजर यहाँ पर क्लिक नहीं करता तो यहाँ पर ये मैसेज शो हो जाएगा यूजर को वैलिडेशन के लिए। तो हम यहाँ पे इल्स पार्ट में यहाँ पर एक मैसेज शो कराएंगे, अगर ये सही काम करे या यहाँ पर वैलिडेशन भी सही काम करे, तो इल्स पार्ट में यहाँ पर एक वैलिडेशन एक बटन पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो होया हमें। उसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो मैं पहले आपको डेमो करके दिखाऊँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे इल्स, देन इल्स के नीचे हम यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, एक मैसेज देना है अगर सही काम करे सब बटन हमारे ये वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँगा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो इनको, तो इनफो के बाद यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज दे देता हूँ मैं। देन यहाँ पर वेलकम फ्रेंड्स, ओके यहाँ पे हमें बटन पर कमांड देनी होगी, तो यहाँ पे जाएंगे बटन पर, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं। तो कमांड की मदद से हम बटन को परफॉर्म करते हैं, ओके कमांड इक्वल्स टू सेल्फ जो भी हमारा फंक्शन का नाम है, जो कि रजिस्टर नाम है, रजिस्टर डेटा। देन हम यहाँ पर आपको कमांड में रन करने की सिखाता हूँ मैं, कंट्रोल टी दबाए यहाँ पे ऐसे ये नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखिए पाइथन जो भी आपका फाइल का नाम है रजिस्टर डॉट पी वाई, ओके देन इंटर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ना डालूँ, यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो, तो यहाँ पे देखिए ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ डाल के दिखाता हूँ आपको ऐसे डमी, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी कुछ ऐसे दे देता हूँ, देन ईमेल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। देन अगर पासवर्ड डालो और कंफर्म पासवर्ड भी अलग अलग आए, और यहाँ पर मैं टर्म कंडीशन अग्री ना करूँ, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो, तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, ओके। तो यहाँ पर वैलिडेशन आ चुके हैं 1 2 3, और यहाँ पे देखिए 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर एग्री द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक ना करूँ और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए प्लीज एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पर वैलिडेशन आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो, तो यहाँ पे देखिए वेलकम फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये मैसेज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये डेटा जो हम डाल रहे हैं ये डेटा डेटाबेस में हमें स्टोर कराना है, ओके। तो हमें डेटाबेस में MySQL डेटाबेस में ये डेटाबेस क्रिएट करना होगा टेबल को, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो चलिए हम VS Code में चलते हैं पहले, ओके। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पर आप पहले MySQL डेटाबेस को आपको इंपोर्ट इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं MySQL डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमें इंपोर्ट करना है सिंपल, यहाँ पे मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है MySQL.connector, ओके। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा। इससे पहले मैं MySQL वर्कबेंच में टेबल क्रिएट करूँगा, तो चलिए हम वर्कबेंच में चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे ना टेबल पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट टेबल पर क्लिक कीजिए। जो भी हमने लेबल्स के नाम हैं एंट्री फील्ड के यहाँ पे लिखने होते हैं, तो मैं पहले टेबल का नाम रख देता हूँ रजिस्टर, ओके। देन यहाँ पर हमें कॉलम के नाम लिखने होते हैं,
तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा? तो फर्स्ट कॉलम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर डायरेक्ट रन किया है मैंने। फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, देन कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, सेलेक्ट क्वेश्चन, देन सिक्योरिटी आंसर और पासवर्ड चाहिए। कन्फर्म पासवर्ड हमें नहीं चाहिए क्योंकि दोनों सेम होने होते हैं, तो हमें ये इतनी चीज़ चाहिए। तो कितने? 6 और 7। ओके, तो हम जाते हैं वर्क बेंच में। तो MySQL का वर्क बेंच है ये, आप इंस्टॉल करते वक्त इसको भी क्लिक कीजिए, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ी सी इजी स्टेप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम चाहिए। ओके, फर्स्ट नेम, तो मैं जल्दी से ऐसे कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा टाइप भी है, हमें डेटा टाइप क्या चाहिए, वार क्या चाहिए। अगर आपको प्राइमरी करना है तो कर लीजिए, मुझे फर्स्ट नेम को नहीं करना है प्राइमरी, मैं प्राइमरी करूँगा ईमेल को। ओके, तो मैं जल्दी से नीचे भी कॉलम नेम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी कॉलम के नाम लिख लिए हैं यहाँ पे, और ईमेल को यहाँ पे प्राइमरी की दी है क्योंकि मुझे ईमेल ओनली वन वंस टाइम में चाहिए, क्योंकि बार बार डुप्लीकेट हो ना होना चाहिए इसके। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है सिर्फ। ओके, तो अप्लाई, देन यहाँ पे अप्लाई, देन फिनिश। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाम का यहाँ पे टेबल आ चुका है हमारा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर और पासवर्ड। ओके, तो हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो चुका है। हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे कनेक्टिविटी करना है, तो हमें ईल्स पार्ट में कनेक्टिविटी करना है। तो मैं इसे हटा लेता हूँ इस मैसेज को। तो मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कनेक्ट इक्वल्स टू यहाँ पर MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ओके, देन हमें इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट डालने होते हैं। तो फर्स्ट होता है होस्ट, तो होस्ट दे देते हैं हम यहाँ पे लोकल होस्ट, तो उस लोकल होस्ट ही होता है हमारा। ओके, देन हमें यहाँ पर होता है सेकंड रूट, सॉरी यहाँ पे होता है यूज़र नेम। ओके, यूज़र, तो यूज़र मेरा है रूट, यहाँ पे रूट। देन थर्ड होता है हमारा पासवर्ड। ओके, पासवर्ड, देन पासवर्ड में जो भी आपका पासवर्ड है MySQL डेटाबेस का वो डाल लीजिए। तो मेरा पासवर्ड है टेस्ट, ओके, @123। देन लास्ट होता है डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस मेरा माई डेटा है। ओके, तो ये हमारी कनेक्शन हो चुका है। तो कनेक्शन के बाद हमें क्या करना है, ये डेटा ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, MySQL डेटाबेस में। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है पहले, तो मुझे यहाँ पर एक कर्सर क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कर्सर नाम का। तो कर्सर मुझे कहाँ से क्रिएट करना है, पहले मैं कनेक्शन ले लेता हूँ। ओके, डॉट यहाँ पे कर्सर एक ऑलरेडी होता है कर्सर नाम का, तो यहाँ पे कर्सर को मैं कॉल कर लिया है। देन तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ वैलिडेशन लगाना है। अगर कोई यूज़र एक ही ईमेल से दो दो तीन तीन बार रजिस्टर करे तो यहाँ पर कुछ वैलिडेशन आ जाए, सिर्फ वन वन टाइम ही ईमेल यूज़ कर पाए यूज़र को, तो डुप्लीकेट ना डुप्लीकेट अवॉइड कर सके। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर वैलिडेशन लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर क्यूरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट वेरिएबल MySQL डेटाबेस की सिंपल क्यूरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमने टेबल का नाम लिखा है। ओके, रजिस्टर, देन यहाँ पे हमें किसे सेलेक्ट करना है, वेयर, तो मुझे ईमेल की डुप्लीकेट नहीं चाहिए। ओके, ईमेल, और यहाँ पे लिखना होता है पर्सन यस। ओके, तो उसके बाद हमें नीचे जो भी हमारी वैल्यूज है, ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ एक वेरिएबल। ओके, तो वैल्यू में हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा वेरिएबल है सेल्फ डॉट ईमेल का, इससे हमें डेटा लेना है। ओके, तो इसका डेटा हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, डॉट गेट। ओके, देन यहाँ पे कॉमा लिख लीजिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। देन तो इसको मुझे डेटाबेस से लेना है। ओके, तो डेटाबेस से लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक यहाँ पे कर्सर को एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, जो भी मैंने कर्सर लिखा है यहाँ पे, तो इस कर्सर का मैं नाम चेंज कर लेता हूँ पहले, तो ये समझ में नहीं आएगा बाद में आपको। ओके, देन सॉरी, यहाँ पे आल दबाइए और दोनों पर सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल झड़, यहाँ पे माई एस माई
कर्सर लिख लेता हूँ, ओके ज़्यादा समझ में आएगा बाद में। देन यहाँ पे तो मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करनी है क्यूरी। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूरी एग्जीक्यूट, ओके तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट क्यूरी, ओके यहाँ पे जो भी हमने ऊपर नाम लिखा है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, देन कॉमा, देन जो वैल्यू है हमारी इसको डाल लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ओके तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद तो मुझे नीचे क्या करना होगा, डेटाबेस से डेटा फेच करना होगा, ई मेल डेटा, ओके तो मैं एक वेरिएबल में पहले डेटा जो भी मैं फेच करूँगा एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा रो नाम के, देन जो भी माई एसक्यूएल माई कर्सर डॉट, देन मुझे क्या करना है फेच डेटा, ओके फेच मुझे क्या करना है सिर्फ वन, ओके तो मुझे फेच ये डेटा हो गया। उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, उसके बाद मैं मैसेज शो करूंगा, ओके तो ये यहाँ पे रो इज नॉट इक्वल्स टू, ओके तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉट इक्वल्स टू नन, ओके नन, देन मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो कराए अगर नन डेटा हो तो, यहाँ पे एक मैसेज हो हमें एरर का, तो यहाँ पे एक मैसेज तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एरर, सॉरी यहाँ पे एरर, देन यहाँ पे यूज़र को मैसेज शो कराना है हमें क्या नाम का यूज़र, अगर ऑलरेडी ईमेल का उस ईमेल का यूज़र रजिस्टर कर चुका है तो हमें मैसेज शो करना चाहिए, तो यूज़र ऑलरेडी ओके एग्जिस्ट, यहाँ पर मैसेज हो जाए हमारा प्लीज, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर ही आएगा प्लीज ट्राई अनदर, यहाँ पर अंदर ईमेल, ओके तो ये मैसेज शो कराए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेटा इंटर करना है डेटाबेस में, तो हम इल्स पार्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो इल्स में हमारा डेटा इंटर होगा, तो डेटा हमें डेटाबेस में ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं नीचे ओके तो डेटाबेस में ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हमें MySQL की डेटाबेस की जो भी MySQL की क्यूरी है इंसर्ट के लिए वो क्यूरी लिखनी होती है। तो हमने एक बार यहाँ से इस स्टेप से क्यूरी को रन किया है, और दूसरी स्टेप होती है तो मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ दूसरी स्टेप भी, माय कर्सर, ओके तो माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, देन हमें क्या करना होता है डायरेक्ट यहाँ पे जो भी हमारी क्यूरी है यहाँ पे डालना होता है, फर्स्ट जो भी माय स्किल की क्यूरी है इंसर्ट वाली, ओके इंसर्ट इनटू जो भी अपना टेबल का नाम है, ओके रजिस्टर, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज देनी होती है हमारे, ओके वैल्यूज, तो यहाँ पर वैल्यूज आएगा, ओके तो वैल्यूज में हमें क्या देना होता है यहाँ पे, तो पर्सन एस देना होता लिखना होता है पर्सन एस, तो हमारे जो भी कॉलम है कितने देख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7s लिखने होंगे, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, तो पर्सन एस, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ओके 4 5 यहाँ पे 6 देन यहाँ पे 1 करेक्ट, ओके तो यहाँ पर 6 7 हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे जो एंट्री फील्ड है उसके वेरिएबल की मदद से हम उस वेरिएबल का डेटा डेटाबेस में इंटर करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है हमारे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे कॉमा देना होता है, उसके बाद मैं टपल में जो भी हमारा वेरिएबल में डेटा है तो यहाँ पे मैं गेट करूँगा वहाँ से डेटा, तो इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, देन यहाँ पे तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल लिखने होते हैं सिर्फ सेल, जो भी वेरिएबल है फर्स्ट नेम, ओके तो इसका डेटा हमें लेना है कहाँ पे डेटाबेस में, ओके तो ऐसे ही मुझे नीचे भी सभी वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो मैं जल्दी से कर, तो यहाँ पे देखिए सभी मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है, यहाँ से गेट की मदद से सभी डेटा डेटाबेस में मैं स्टोर करूँगा, तो यहाँ पे सही से पैरेंथेसिस क्लोज कर लीजिए नहीं तो एरर शो हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा दिया है मैंने कॉमा भी दीजिए, ये टपल है
टपल में मैंने ये सभी वेरिएबल पास कर लिए हैं। ओके, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे नीचे कनेक्शन को पहले कमिट करना होता है, तो यहाँ पे कनेक्शन कमिट करना होता है ईल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे यानी कि ईल्स के बराबर, तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट करना होता है फर्स्ट। तो कनेक्शन को कमिट करेंगे, उसके बाद कनेक्शन को हमें क्लोज करना होगा। ओके, क्लोज करने के बाद हमें एक मैसेज शो कराए जब भी हमने ये डेटा इंटर कर लिया, और ये डेटा को हम MySQL डेटाबेस में ऐड करते वक्त वहाँ पे एक मैसेज शो कराए हमें। तो मैसेज शो कराने के लिए मैसेज बॉक्स और शो इन्फो। ओके, तो हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो यहाँ पे मैं सक्सेस का लिख लेता हूँ। ओके, उसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे रजिस्टर सक्सेसफुली वाला। ओके, सक्सेसफुली फुली। ओके, तो ये मैसेज शो हम यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, देन कंट्रोल टिल्ड, यहाँ टर्मिनल से मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, पाइथन डॉट जो भी हमने फाइल का नाम लिखा है रजिस्टर डॉट पी वाई। ओके, देन इंटर। तो ओके, तो हम एक रजिस्टर करके देखते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कपिल मोहन, देन इंटर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ मैं कपिल @123। देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेस बर्थ प्लेस तो मैं पुणे कर लेता हूँ। देन पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूँ 123 और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में डालूँ 12 और यहाँ पे रजिस्टर करूँ, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ओके, तो ये वैलिडेशन आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट डालूँ और यहाँ पर टर्म एग्री टर्म्स और कंडीशन को क्लिक ना करूँ, तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये वैलिडेशन लग चुकी है हमारी। अगर मैं यहाँ पे इंटर सेलेक्ट करूँ और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली। तो हम डेटाबेस में जाते हैं और देखते हैं हमारा जो भी रजिस्टर डेटा किया है वो बैकएंड में डेटाबेस में ऐड हुआ या नहीं। तो ये डेटाबेस यहाँ से मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा सही से ऐड हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस ईमेल से और पासवर्ड से लॉगिन करना है लॉगिन से। तो इसके लिए मुझे लॉगिन जो जब मैंने लॉगिन फंक्शन लिखा था उस लॉगिन फंक्शन में भी मुझे डेटाबेस कनेक्शन देना होगा, और वहाँ पे कनेक्शन मुझे ईमेल सेलेक्ट करना होगा और पासवर्ड, यहाँ से ये डेटा से हम वहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम वेस कोड में चलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो मैं ये रजिस्टर वाला जो भी मैंने लिखा है क्लास एक क्लास को, सभी क्लास को मैं यहाँ से लेकर नीचे तक कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पर जाऊँगा मैं लॉगिन बटन में, और इसके आखिर में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये क्लास रजिस्टर वाला क्लास लॉगिन क्लास में यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ये क्लास अलग है और यहाँ पे देखिए लॉगिन क्लास अलग है। तो यहाँ पे ये दोनों क्लास अलग अलग है, एक ही हम फाइल में डाल दिया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमें लॉगिन विंडो वाला हमने कॉल किया है, तो हमें क्या है दो क्लास है। ओके, तो दो क्लास के लिए हमें कॉमन ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसके लिए हम ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन, तो यहाँ पे मेन वाला मैं रख देता हूँ, देन इसके अंदर यहाँ पे तो मुझे एक विंडो बनाता हूँ मैं, मेन विंडो। ओके, उसके बाद यहाँ पे टी के, देन हम नीचे ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐप, देन इक्वल्स टू जो भी ये लॉगिन विंडो, ये जो मेरी लॉगिन विंडो है ये मेन विंडो है, तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा लॉगिन विंडो, देन इसमें क्या पास करूँगा विंडो जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है, ये विंडो पास किया है। देन नीचे नीचे मुझे विन डॉट मेन लूप को क्लोज करना होगा। ये जो विंडो है जैसे कि हमने रूट लिखा है कई बार, तो उसी तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं, विंडो या कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है। तो इसको हम लास्ट में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे ये कट कर लेता हूँ मैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगेगी मेन। ओके, तो मैं यहाँ से इंटर, देन मेन। ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो मुझे अभी क्या करना होगा,
तो इस रजिस्टर वाले क्लास को मुझे इस लॉगिन वाले क्लास में ओपन करना होगा टॉप लेवल पर, तो मेरी जो रजिस्टर वाली जो विंडो है इसके ऊपर ओपन हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रन करके। तो यहाँ से रन करेंगे डायरेक्ट हम। ओके, तो यहाँ पर जब मैं न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करो तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाए और रजिस्टर वाली पेज हमारी यहाँ पर ओपन हो जाए इसके ऊपर। तो मुझे इसके अंदर कॉल करना है, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। तो चलते हम वेबसाइट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फंक्शन बनाऊँगा जो हमने नीचे क्लास लिखा है उसका। तो यहाँ पर फंक्शन बनाऊँगा डिफाइन, तो मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ रजिस्टर विंडो। ओके, रजिस्टर विंडो कुछ भी रख सकते हैं नाम, जस्ट फंक्शन है ये। तो इसके अंदर मैं सेल्फ पास कर लेता हूँ और नीचे हम, तो मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट यहाँ पर एक मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल, कुछ भी लिख लीजिए, न्यू विंडो। ओके, तो उसके न्यू विंडो हमारी कहाँ पे ओपन हो जाए, टॉप लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर टॉप लेवल ऑटोमेटिकली पाइथन में होता है। तो यहाँ पे हमें पास क्या करना है, टॉप जो भी हमारी विंडो है रजिस्टर वाले टॉप लेवल पर ओपन हो जाए, वो भी कहाँ पे, सेल्फ डॉट रूट में जो भी लॉगिन वाली पेज है उसके ऊपर। ओके, तो उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐप इक्वल्स टू, तो हमें क्या ओपन करना है, रजिस्टर वाली विंडो। ओके, उसका नाम जो भी क्लास का नाम है। ओके, देन हमें जो भी यहाँ पे लिखा है ये वाला, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ओके ओके, तो ये फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन को हमें एक बटन, जो भी हमारा बटन है, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले। अगर मैं इससे कमेंट कर लो और कंट्रोल यस और यहाँ पे रन, तो ये जो बटन है इसमें हमें एक्शन देना है, यानी कि कमांड देना है। तो हम कमांड देंगे इसके अंदर। तो चलते हैं कहाँ बटन बनाया हमने, न्यू यूज़र रजिस्टर। ओके, तो इसके अंदर देना है, तो मैं इसके आगे दूंगा यहाँ पे। ओके, कमांड, देन हमारे जो भी फंक्शन का नाम है सेल्फ डॉट रजिस्टर। ओके, नाम क्या लिखा है हमने, सॉरी यहाँ पे मैं कमेंट निकाल लेता हूँ। तो रजिस्टर विंडो लिखा है हमने, डॉट रजिस्टर विंडो। ओके, देन कंट्रोल यस और यहाँ से रन डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए जो हमारी विंडो बनी है रजिस्टर वाली यहाँ पे ओपन हो रही है। तो यहाँ से मैं क्लोज भी करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो फिर से ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये बहुत ही फास्ट हो रहा है, जो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे क्लास टू क्लास एक ही फाइल में डाला है, इसलिए बहुत ही परफॉर्मेंस भी इसकी स्पीड में बढ़ेगी, इसीलिए मैंने एक ही क्लास में बनाया है दो विंडो। तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जब भी लॉग इन करूँ मैं, तो इस रजिस्टर वाले जब भी मैं डेटा यहाँ पे डेटाबेस में डालूँ, उसके बाद लॉग इन करने के लिए वहाँ से ईमेल और पासवर्ड मुझे डेटाबेस से लेना है। ओके, तो मुझे यहाँ पर इल्स पार्ट में डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, देन वहाँ से डेटा हमें फेच करना पड़ेगा। तो हम वो कर लेते, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, तो यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। देन मुझे डेटा जो भी कनेक्शन है सेम करना है, नीचे जहाँ पे मैंने किया है ए कनेक्शन देना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देन कॉपी, देन ऊपर ले देता हूँ, तो मुझे लॉगिन में देना है। ओके, तो मुझे लॉगिन में देना है, तो लॉगिन बटन कहाँ पे बनाया हमने, ऊपर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नीचे हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमें डेटाबेस से क्या क्या सेलेक्ट करना है, ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे माई कर्सर वाला फंक्शन यहाँ पे लेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरी को, यहाँ पे एग्जीक्यूट, सॉरी यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट जो सिंपल माई एसक्यूएल वाली डे जो सेलेक्ट वाली क्यूरी है यहाँ पे रन करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी नाम है हमारे टेबल का रजिस्टर। हमें क्या सेलेक्ट करना है, वेयर से सेलेक्ट करते हैं वेयर, तो हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, ईमेल। ओके, तो ईमेल पर्सन यस, देन हमें और क्या सेलेक्ट करना है, एंड एंड करके हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, एंड देन यहाँ पे हम, ओके सॉरी यहाँ पे आएगा और इसके अंदर, तो
एंड हमें पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड, ओके, पासवर्ड इक्वल टू पर्सन, यस। जो भी ये जो कॉलम नेम है आपके जो MySQL डेटाबेस में लिखे है वही सेम होनी चाहिए, नहीं तो एरर शो हो जाएगा, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें उसके बाद क्या करना है, जो हमने इंसर्ट वाली क्यूरी में लिखा है वही जो हमें इसकी जो टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे हम इंटर करते हैं डेटा उस वेरिएबल को लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी, सॉरी यहाँ पे कॉमा, देन हम टपल में जो भी हमने डेटा, यहाँ पे मैं आगे ले लेता हूँ, जो भी हमारा डेटा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वहाँ से डेटा हम लेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो हम पास करेंगे सेल्फ डॉट जो भी वेरिएबल का नाम है हमारा, तो फर्स्ट नेम हम लिखेंगे, ओके, ईमेल डॉट गेट, देन हमें नीचे क्या चाहिए, सेल्फ, देन वेरिएबल, तो मुझे वेरिएबल, देन मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड, ओके, डॉट गेट। तो ये जो पासवर्ड और ईमेल है मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ से तो रो नाम रख देता हूँ इसका, रो इक्वल्स टू जो भी हमारा कर्सर का नाम है, माय कर्सर डॉट, तो मुझे फेच करना है डेटाबेस से, तो फेच वेरिएबल से यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट है फेच वन, वहाँ से मैं फेच करूँगा डेटाबेस से डेटा, ओके। देन हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है, अगर ये डेटा अगर इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र ने डाला है, अगर रॉन्ग डाला है तो हमें कुछ वैलिडेशन आ जाए, तो इसके लिए मैं एक वैलिडेशन लगा लेता हूँ, इफ, ओके, इफ रो देन इज नॉट इक्वल्स टू नन, ओके, अगर ये नन हो, कुछ ना डाला हो या कुछ डाला हो, गलत डाला हो यूज़र ने, तो हमें क्या कर जाए, एक मैसेज कराए शो, ओके, तो शो एरर, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, तो मैं एरर डाल दे रहा हूँ, ओके, एरर, देन यहाँ पे हमें यूज़र को मैसेज शो कराना है, तो यूज़र को मैसेज शो कराना है मुझे इनवैलिड, ओके, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके, अगर गलत डाला हो यूज़र ने कुछ लॉगिन करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा। देन हमें क्या है, अगर सही डाला है यूज़र ने डेटा सही डाला है, तो हमें इल्स पार्ट में यहाँ पे इल्स पार्ट में हमें एक, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ओपन मेन नाम का, तो यहाँ पे मैं पूछूँगा यूज़र से, तो मुझे मैसेज बॉक्स से लेना होता है, मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस और नो, ओके, आस्क यस और नो, तो यहाँ पर सेम होता है, हमें एक मैसेज देना होता है पूछने के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यस नो लिख लेता हूँ मैं, ओके, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज दूंगा, तो एक्सेस वनली, ओके, एडमिन, ओके, तो मैंने आप यहाँ पर मैसेज दे दिया है। देन हमें क्या करना है, अभी नीचे अगर ये जो वैलिड हो, ओके, तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन चे ओपन, ओके, ओपन मेन अगर ग्रेटर हो जीरो से, अगर, ओके, तो इफ अगर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक ओपन हो जाए, क्या ओपन हो जाए, सेल्फ डॉट न्यू विंडो, देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेम स्टेप होनी होती है, तो यहाँ पे टॉप लेवल पर हमें एक प्रोजेक्ट में ऐड करने वाला हूँ, तो टॉप, ओके, सॉरी यहाँ पे टॉप लेवल, देन हमें टॉप लेवल पर कहाँ पे विंडो ओपन हो, तो मुझे सेल्फ डॉट न्यू विंडो पर ओपन हो, ओके, तो न्यू विंडो पर ओपन हो, देन हम यहाँ पर पास करेंगे जो भी मैं प्रोजेक्ट ऐड करने वाला हूँ, नीचे मैं ऐड करके दिखाऊंगा, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ वेरिएबल का नाम, देन मुझे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ओके,
तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसी को मैं ऐड करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, तो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं वो भी, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं एक ऐड करके दिखाऊंगा रियल प्रोजेक्ट, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ से कॉपी, देन हम यहाँ पे नीचे जाएंगे सबसे नीचे। ओके, तो यहाँ से, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे सीधा। ओके, अगर कुछ लाइब्रेरीज हमें डालनी है तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी देख लेता हूँ क्या क्या है हमारी एक्स्ट्राज, तो मैं एक्स्ट्राज शायद, ओके यहाँ से, ओके तो मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर, तो एक्स्ट्राज लाइब्रेरी आई थिंक टाइम्स है, तो मैं इसे ही ले लेता हूँ रैंडम और कॉपी। देन यहाँ पे मैं सबसे ऊपर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके, दैट्स परफेक्ट। देन मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे, तो जहाँ पे हमने लॉगिन बनाया है, तो यहाँ पे, ओके, जो हमने क्लास हॉस्पिटल वाला क्लास है यहाँ पे हम कॉल करेंगे हॉस्पिटल। देन हॉस्पिटल हमें कहाँ पे ओपन करना है, जो यहाँ सेल्फ न्यू विंडो टॉप लेवल पर कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, जहाँ पे हमने ऊपर जो स्टेप किया है वही करना है, सिर्फ जो बटन हमारा है यहाँ पे लॉगिन वाले इसके अंदर डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे देन ये वाला हो गया, इल्स अगर कुछ यूज़र ने रॉन्ग डाला है, ओके तो क्या बोल रहा, जब हम क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पर तो यहाँ पर आस्क यस और नो कहेगा, अगर हमें एडमिन पर्सन है, एक्सेस ओनली एडमिन, ओके आप एडमिन हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप नो करेंगे तो वही पे विंडो हमारी स्टे हो जाए, ओके यहाँ वही पे ठहर जाए। तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट, ओके इफ नॉट ओपन मेन, ओके सॉरी यहाँ पे, अगर नॉट ओपन देन हमें क्या करना है, वहीं पे रहना है, वहीं पे विंडो हमें शो कराना है, तो रिटर्न कर जाए सिंपल। ओके, तो मुझे कनेक्शन कमिट और क्लोज करना है, तो मैं यहाँ से कमिट करूँगा पहले कनेक्शन डॉट कमिट, देन यहाँ पे क्लोज कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, तो यहाँ पर एक गलती हुई है हमारी, यहाँ पे इज नॉट इक्वल तो नहीं आएगा, इक्वल इक्वल्स टू आएगा। ओके, देन ये परफेक्ट है, तो हम इसे रन करेंगे अभी, तो कंट्रोल टील दबा के मैं नीचे से कर लेता हूँ, पाइथन, पाइथन जो भी नाम लिखा है हमने, लॉग इन डॉट पी वाई, ओके इंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा लॉग इन पेज ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र को क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ये लॉग इन रजिस्टर वाली, देन हम यहाँ से क्लोज करेंगे। इस बटन पर भी काम करना है हमारे, सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रॉ करना है, अगर इस पर क्लिक करो तो लॉग इन विंडो पर हमारे रिडायरेक्ट हो जाए, तो इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, तो मैं एक रजिस्टर कर लिया है कपिल वाला, तो इसका है ईमेल यूज़र नेम, ईमेल ही यूज़र नेम होता है हमारा, तो ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड, तो हम लॉग इन करके देखते हैं यहाँ से तो हो रहा या नहीं, कपिल एट द रेट 123, देन नीचे 123, तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हमारे एक्सेस ओनली एडमिन, नो किया तो यहीं पे स्टे हो जाएगा, अगर मैंने यस किया तो रिडायरेक्ट हो जाएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, तो वो ओपन हो जाएगा, तो मैं यस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि पाइथन में टीक इंटर मॉडल की मदद से ही बनाया हुआ है। अगर आपने ये प्रोजेक्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप बना लीजिए, क्योंकि ये मिनी प्रोजेक्ट या कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं ये प्रोजेक्ट समझा चुका हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख लीजिए। तो मुझे अब फॉगट पासवर्ड इस बटन पर काम करना है, तो इस बटन पर मैं हम काम कैसे करेंगे, तो यूज़र नेम यहाँ पर ईमेल डाला मैंने यहाँ पर कपिल एट द रेट 123, देन मुझे यहाँ पर फॉगट पासवर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाए, इस विंडो में फॉगट पासवर्ड में सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर
एंड रीसेट पासवर्ड एक एंट्री फील आ जाए, वहाँ से मैं एंट्री करूँ। तो यहीं पे इंडो एक ओपन होनी चाहिए टॉप लेवल पर। तो मुझे इस पर काम करने के लिए तो हम क्या करेंगे, लॉग इन बटन में ही एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वहाँ में एक टॉप लेवल में एक विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से रीसेट करेंगे पासवर्ड। तो चलिए हम वीएस कोड, तो हमें क्या करना है, लॉग इन जो विंडो है हमारी वहीं पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो सबसे नीचे हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे डिफाइन, ओके, फॉरगॉट देन पास, ओके, पासवर्ड देन विंडो, ओके। तो इसके अंदर हम सेल पास करेंगे देन नीचे। तो हमें पहले एक वैलिडेशन देते हैं, तो वैलिडेशन हम ईमेल के देंगे। अगर ईमेल इंटर करे तो ही फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें न्यू विंडो ओपन हो जाए। तो ये तो यहाँ पे सेल्फ डॉट देन जो भी हमारे ईमेल का txt पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम, देन गेट, देन उसके बाद हम इसको ओके इक्वल इक्वल्स टू एम्प्टी करेंगे। अगर एम्प्टी हो तो हमें मैसेज शो कराए, तो मैसेज में लिखेंगे हम मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, शो एरर। तो एरर यहाँ पे लिखेंगे हम, एक यूज़र को मैसेज शो कराना है हमें, तो पहले प्लीज इंटर, ओके, इंटर द ईमेल एड्रेस टू रीसेट पासवर्ड, ओके। ये यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा। अगर यूज़र ने ईमेल एड्रेस इनपुट ही नहीं किया तो ये मैसेज यूज़र को ये शो हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, तो इल्स पार्ट में, तो हमें इल्स पार्ट में कनेक्शन क्रिएट करना है ईमेल एड्रेस फेच करने के लिए। तो हम ऊपर से कनेक्शन कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से ओके देन कॉपी, देन हम नीचे पेस्ट करेंगे सिंपल, देन इससे ओके। तो मुझे नीचे क्या करना है, MySQL वाली क्यूरी लिखनी है जो ईमेल को मुझे फेच करना है। तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, तो क्यूरी नाम का वेरिएबल, देन सिंपल सेलेक्ट स्टार, ओके, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम रजिस्टर, देन वेयर सेलेक्ट करेंगे हम ईमेल को। तो ईमेल फेच होके आया हमें डेटाबेस से, देन इक्वल्स टू पर्सन, यस, ओके। तो उसके बाद नीचे हम इसका जो वेरिएबल का डेटा है हमें इसमें डालना होगा फर्स्ट। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ओके, इक्वल्स टू, तो उसके बाद हमें वैल्यू क्या लिखनी है, तो वैल्यू में हमें सेल्फ डॉट जिसमें डेटा है ईमेल का, तो हमें टेक्स्ट यूज़र में डेटा है ईमेल का, देन यहाँ से गेट करना है मुझे, देन गेट करूँगा यहाँ से, देन कॉमा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, MySQL क्यूरी एग्जीक्यूट करनी होगी, ओके, माई कर्सर वाली, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट में फर्स्ट हमें क्यूरी देनी होती है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, देन कॉमा, यहाँ पे वैल्यू देनी होती है, पेस्ट, ओके। तो ये डेटा आ गया इसमें, यहाँ पे वैल्यू और एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद हमें फेच करना होता है MySQL डेटा बेस से। तो फेच करने के लिए तो मैं फर्स्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा जो फेच किया हुआ डेटा, तो माई कर्सर डॉट फेच, तो मुझे वन करना है ओनली, तो फेच वन करूँगा सिर्फ, ओके। देन फेच होने के बाद मैं इसका डेटा जो भी है, तो पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट, ओके, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, रो, तो मैं दिखाता हूँ फेच कैसा होता है, यहाँ पे प्रिंट। अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो पहले मैं इस बटन में कॉल कर लेता हूँ, कमांड दे देता हूँ, यहाँ पे कमांड देंगे हम, कमांड देन जो भी फंक्शन का नाम है सेल्फ डॉट फॉरगॉट, ओके, पासवर्ड विंडो, देन कंट्रोल यस, यहाँ से डायरेक्ट मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ ना डालूँ और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन आ जाएगी, प्लीज इंटर द ईमेल एड्रेस टू रीसेट पासवर्ड।
ओके अगर मैं यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस डाल दो @123, ओके और यहाँ पे फॉगट पासवर्ड पर क्लिक करो, तो ओके हमें कुछ विंडो वगैरह ओपन नहीं होके आई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे टर्मिनल में, क्लोज कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए कपिल वाला जो भी हमारा जो डेटा है यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने प्रिंट किया है, रो में ये डेटा आ जाएगा जो भी इसका नाम है, देन सरनेम, देन जो मोबाइल नंबर, ईमेल, बर्थ प्लेस और पुणे और पासवर्ड। ओके तो हम यहाँ पे डेटा ले लिए है जो भी डेटाबेस में है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ईमेल चाहिए। ओके जो भी यूज़र नेम के लिए मुझे चाहिए ईमेल चाहिए, तो मैंने ओई फेस डेटा किया है 1। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम के लिए मुझे एक ही डेटा चाहिए, इसलिए फेस 1 किया है, और ये आपको मैंने प्रिंट करके भी दिखाया है। तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, तो इसके नीचे मुझे अगर यूज़र ने कुछ ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया तो मुझे एक एरर शो होना चाहिए यूज़र को, तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ ओके रो इक्वल इक्वल्स टू ओके अगर नन देन हमें मैसेज शो करना चाहिए, तो मैसेज में हमें शो एरर करेंगे, देन यहाँ पे कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको एक कुछ, तो माय एरर ओके, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। देन हमें यूज़र को एक मैसेज शो कराना है, प्लीज़ इंटर द ओके प्लीज़ इंटर द वैलिड यूज़र नेम ओके, तो ये मैसेज शो हो जाएगा अगर गलत पासवर्ड यूज़र नेम डाला है यूज़र ने, तो ये मैसेज शो होएगा। इसके बाद हम अगर यूज़र ने वैलिड यूज़र नेम डाला है रिसेट पासवर्ड के लिए, तो न्यू विंडो ओपन हो जाए यहाँ पे, तो पहले इसमें मैं क्या कर लेता हूँ इंटर, तो इसमें मैं कनेक्शन क्लोज कर लेता हूँ पहले ओके, कनेक्शन क्लोज हो जाए तुरंत, देन न्यू विंडो ओपन हो जाए। तो न्यू विंडो ओपन होने के लिए हमें एक विंडो बनानी होगी, तो सेल्फ डॉट रूट, तो मैं रूट का नाम रख लेता हूँ रूट टू ओके, देन इक्वल्स टू टॉप लेवल पे हमारी विंडो ओपन हो जाए, देन जो भी हमने विंडो का नाम रखना है यहाँ पे टाइटल रख देते हैं, तो सेल्फ डॉट रूट ओके टू डॉट टाइटल देना है मुझे, तो मैं टाइटल दे देता हूँ फॉगट पासवर्ड, फॉगट पासवर्ड ओके, देन यहाँ पे ज्योमेट्री देनी है हमारी विंडो की, तो हम विंडो बना रहे हैं इस फंक्शन के अंदर ही, देन डॉट रूट टू, तो ज्योमेट्री देनी है मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री, तो मुझे ज्योमेट्री देनी है, छोटी विंडो बनानी है, तो मैं यहाँ पे 340 कर लेता हूँ इंटू देन 450, तो उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे ओके 610 से एक्स एक्सिस स्टार्ट हो, देन वाई से भी नीचे आ जाए थोड़ा सा 170 ओके, तो यहाँ पे विंडो बन चुकी है हमारी, तो इस विंडो को हमें शो कराना है, तो कंट्रोल एस करेंगे, देन यहाँ से रन करेंगे डायरेक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन आ रही है, अगर मैं करेक्ट पासवर्ड डालूँ यहाँ पे या रॉन्ग डालूँ पासवर्ड ऐसे, और यहाँ पे फॉगट पासवर्ड करो, तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर द वैलिड यूज़र नेम ओके, तो ये भी कंडीशन आ रही है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ और वैलिड यूज़र नेम डाल देता हूँ कपिल ओके @123, देन यहाँ से फॉगट पासवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए न्यू विंडो ओपन हो रही है हमारी, तो इस विंडो में हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉगट पासवर्ड करने के लिए हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर देने के बाद हमें रीसेट पासवर्ड हो जाए, तो मुझे ये फील्ड लगानी है, तो चलिए हम वेस कोड में चलते हैं और एक पहले तो हम यहाँ पे एक लेबल बना लेंगे, तो यल रख देता हूँ नाम, तो लेबल के लिए लेबल से मदद से लेबल करेंगे, तो मुझे कहाँ पे लेबल करना है डालना है सेल्फ डॉट रूट टू में ओके, तो उसके बाद जो भी लेबल का नाम है टेक्स्ट दे देता हूँ मैं, तो मुझे टेक्स्ट देना है फॉगट पासवर्ड ओके, तो ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे यही टेक्स्ट देनी है, टाइटल देना है, तो यहाँ पे पेस्ट, देन यहाँ से मुझे यहाँ पे मुझे कुछ
यहाँ पे फाउंड भी देनी है, तो ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ फाउंड। ओके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे फॉगआउट और बैकग्राउंड कलर भी देना है कॉपी। देन यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे पेस्ट। ओके यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर बदल लेता हूँ, तो फॉरग्राउंड कलर चाहिए मुझे रेड और बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ मैं वाइट। ओके देन मैं इसे प्लेस करूँगा, तो इसकी थोड़ी सी फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ। देन इसे प्लेस करूँगा, फॉरगॉट पासवर्ड में प्लेस करना है हमें इस विंडो में, तो एल डॉट प्लेस। ओके तो प्लेस करने में हमें एक्स और वाई एक्सेस लगते हैं, तो एक्स एक्सेस से 0 स्टार्ट हो और यहाँ पे वाई एक्सेस से 10। देन जो भी हमारी जो रियल विड्थ है, ओके तो रियल विड्थ हमारी 1 हो जाए। ओके रिलेशन विड्थ होती है जो भी विंडो के हिसाब से ये जो हमारा लेबल है यहाँ पे टाइटल लेबल यहाँ पे प्लेस हो जाए। ओके तो मैं कंट्रोल एस करूँगा यहाँ से रन। ओके तो मैं यहाँ पे करेक्ट पास यूज़र नेम डाल देता हूँ, कपिल एट द रेट 123। देन यहाँ पे फॉगट पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए प्लेस हो चुका है ये फॉगट पासवर्ड वाला। तो यहाँ पे हमें नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन, देन सिक्योरिटी आंसर, उसके बाद रिसेट पासवर्ड वाले हमें फील्ड बनाने हैं, तो हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो मुझे सिक्योरिटी आंसर वाला जो फील्ड है यहाँ पे मुझे रजिस्टर से लेने होंगे, तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे जो ओके तो यही चाहिए मुझे। तो मुझे रजिस्टर वाले विंडो का ही डेटा रिसेट करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आंसर वाला भी चाहिए, तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, पासवर्ड बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऊपर जाके इसे पेस्ट करना है सिर्फ यहाँ पे, तो मुझे इसे सिर्फ सॉरी यहाँ पे कंट्रोल झड़, तो यहाँ पे सही से लगा लेता हूँ, तो इसे मैं इंडियन नेशन ना आ जाए इससे मैं आगे ले लेता हूँ, टैब टैब। ओके तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने फ्रेम लिखा था इस फ्रेम को चेंज करना है, तो मुझे सेल्फ रूट 2 में डालना है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा सेल्फ डॉट रूट 2। ओके तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट दिए थे हमें इस कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, क्योंकि मुझे सेल्फ रूट 2 में डालना है जो फॉगट पासवर्ड वाली विंडो है, तो मुझे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं, तो मैं 80 कर लेता हूँ। देन इसका कर लेता हूँ मैं यहाँ से इससे नीचे आ जाए तो मैं 110 कर लेता हूँ, देन इसकी विड्थ सेम रहने देता हूँ। देन ये सिक्योरिटी आंसर भी मेरा नीचे आ जाए, तो इसका कर लेता हूँ मैं 150। ओके देन मुझे इसकी एंट्री फील भी नीचे चाहिए, तो एंट्री फील मुझे 150 से नीचे आनी चाहिए, 30-30 से मैं नीचे ले रहा हूँ, तो 180 कर लेता हूँ। देन इसकी विड्थ सेम चाहिए, तो मुझे इस वेरिएबल को निकाल देना होगा, तो इस वेरिएबल को मैं निकाल लेता हूँ। ओके फिर डिलीट, देन इसे भी डिलीट कर लेता हूँ। ओके देन मुझे यहाँ पे एक्स एक्सेस मुझे 50 से ही चाहिए, यहाँ पर भी 50, देन यहाँ पर भी 50 चाहिए। ओके ओके अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ से रन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए विंडो ओपन हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं वैलिड जो भी यूज़र नेम है यहाँ पे डाल देता हूँ 123। देन यहाँ पे फॉगट पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए हमारे फील आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे मैं योर गर्लफ्रेंड नेम यहाँ पे डालो, और यहाँ पे मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, और यहाँ पे हमें रिसेट पासवर्ड के लिए एक एंट्री फील चाहिए, देन यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, तो हमें ये काम करना है, तो हम बना लेते हैं वो भी। तो चलिए हमें वेस्ट कोड में चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड के लिए लेबल बनाना होगा और नीचे एंट्री फील, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी की जैसी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नाम न्यू पासवर्ड। ओके पासवर्ड देन यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं टेक्स न्यू पासवर्ड वाली न्यू पासवर्ड। ओके देन यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा कोऑर्डिनेट और एक्स, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज करना होगा सिर्फ, तो वाई कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ 220। देन यहाँ पे मुझे वाई नीचे आना चाहिए 30-30 से नीचे, 250 कर लेता हूँ, और विड्थ सेम होगी, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल यस और यहाँ से इंटर। ओके यहाँ पे रन, देन यहाँ पे मैं वैलिड पास यूज़र नेम डाल देता हूँ कपिल एट द रेट 123।
देन यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेबल चेंज करना भूल गया, लेबल का नाम चेंज करना है सिर्फ हमें। तो ये न्यू पासवर्ड वाली फील भी आ चुकी है हमारी, तो यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए रीसेट पासवर्ड के लिए, तो वो बटन बना लेते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं न्यू पासवर्ड। ओके न्यू पासवर्ड, ओके तो मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना है। ओके तो मैं यहाँ पे एक सिंपल बटन बनाऊंगा, जो कि बटन बटन मुझे बनाना है बटन की मदद से बटन। देन यहाँ पे बटन मुझे सेल्फ डॉट रूट के अंदर बनाना है, डॉट रूट टू के अंदर। ओके फॉरगॉट पासवर्ड वाली विंडो, देन मुझे टेक्स्ट देनी होती है यहाँ पे, तो टेक्स्ट दे देता हूँ मैं रिसेट। ओके सॉरी यहाँ पे रिसेट ऐसा आएगा, यहाँ पे रिसेट। देन हम इसकी जो फॉन्ट है फॉन्ट दे देते हैं, यहाँ यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे कॉमा देन पेस्ट। ओके जो इसकी फॉरग्राउंड और वाई इसकी फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ बटन का, तो इस ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं फॉरग्राउंड कलर। ओके तो फॉरग्राउंड कलर चाहिए मुझे वाइट। ओके और यहाँ पे चाहिए मुझे ग्रीन, बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे ग्रीन, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ। और यहाँ इसे प्लेस करना है हमें, तो प्लेस करने के लिए बटन ओके डॉट प्लेस, तो प्लेस करेंगे एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ले लेता हूँ मैं ओके 100 कर लेता हूँ। देन वाई एक्सिस से कर लेता हूँ मैं, सबसे नीचे आना चाहिए ये देखिए, लास्ट फील्ड हमने वाई एक्सिस 250 से लिया था, तो इससे नीचे लेना है मुझे, तो इससे नीचे लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 280 कर लेता हूँ। ओके 270 कर लेता हूँ, ओके 290, ओके कंट्रोल यस, और यहाँ से रन, पहले वाला क्लोज कर लेता हूँ मैं। ओके तो सिंटैक्स इनवैलिड। ओके तो यहाँ पे देखिए 156 लाइन पर यहाँ पे हमें दो कॉमा दे दिया है, तो 150 लाइन पे जाएंगे यहाँ पे देखिए, तो इसे कट देन कंट्रोल यस, और यहाँ से डायरेक्ट रन, तो हम वैलिड एक यूज़र नेम डालेंगे कपिल एट द रेट 123, देन यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए बटन आ चुका है हमारा। ओके तो इस बटन को हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे और इसकी थोड़ी सी वीट भी बढ़ाएंगे, तो हमें क्या करना है सिर्फ एक फंक्शन बनाना है इस बटन के लिए। उस फंक्शन से हम यहाँ पे सेलेक्ट किया मैं गर्लफ्रेंड, जो भी गर्लफ्रेंड का नाम है मीनाक्षी। ओके देन न्यू पासवर्ड हमें रखना है 123, और यहाँ से रीसेट पासवर्ड करने के बाद इसे क्लोज करने के बाद हम यहाँ से जो भी पासवर्ड हमने चेंज किया है यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम बना लेते हैं। तो चलिए हम वेस कोड में चलते हैं, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे रीसेट पासवर्ड के लिए, तो मैं इसे पहले एक कमेंट कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड विंडो, ओके तो एक कमेंट हो गई हमारी, तो हम इसके ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे इसके लिए रीसेट पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पर भी एक कमेंट कर लेता हूँ रीसेट। ओके यहाँ पे रीसेट पासवर्ड, एक कमेंट इसलिए करते हैं हम कि हमें आसानी हो समझने के लिए। ओके तो हमें फंक्शन बनाना है रीसेट बनाएंगे, तो यहाँ पे सेल्फ पास करेंगे। ओके तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा नाम है रीसेट पासवर्ड कर लेता हूँ। ओके तो नीचे यहाँ पे मुझे एक वैलिडेशन लगानी होगी, तो वैलिडेशन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे इफ सेल्फ, तो फर्स्ट वैलिडेशन हमें सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन देनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉम्बो जो भी हमारा डेटा है क्वेश्चन वाला इस फील्ड में है, तो गेट इसे गेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट इंडेक्स में है हमारा, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट। देन यहाँ पे अगर सेलेक्ट लिखा हो तो हमें जो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है क्वेश्चन सेलेक्ट करे, तो मैं नीचे एक मैसेज बॉक्स बना लेता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर,
तो इसमें हम एरर लिखेंगे, ओके, देन यहाँ पे एक मैसेज देंगे कि यहाँ पे एक मैसेज हम देंगे कि सेलेक्ट द सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी, तो यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो नीचे भी कुछ वैलिडेशन लगाने होंगे, तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक यूज़र को मैसेज देंगे हम, ओके, प्लीज़, यहाँ पे प्लीज़ इंटर द न्यू पासवर्ड। देन हम नीचे यहाँ पे ये होने के बाद अभी हमें इल्स पार्ट में जो कनेक्शन है हमारा ये डेटा डेटाबेस में डेटाबेस से फेच होके आए, तो हमें यहाँ पे इल्स पार्ट लिखना होगा। तो इल्स पार्ट में हम डेटाबेस लेंगे, तो डेटाबेस के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी हमने कनेक्शन क्रिएट कराया है सेम उसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है सिर्फ मुझे, तो यहाँ पे पेस्ट, ओके। मुझे क्या करना होगा डेटाबेस से जिस सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर देन ईमेल को डेटाबेस से यहाँ पर लाना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्यूरी रन करूँगा, तो सिंपल क्यूरी जो MySQL की वो MySQL डेटाबेस में लिखी जाती है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल्स टू, देन यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर क्यूरी लिखनी है, सेलेक्ट करना है स्टार देन स्टार फ्रॉम जो भी हमारे टेबल का नाम है, ओके, रजिस्टर, देन हमें किसे सेलेक्ट करना है, वेयर से सेलेक्ट करेंगे हम, तो मुझे फर्स्ट सेलेक्ट करना है ईमेल, जो भी अपनी कॉलम नाम डाला है टेबल में रजिस्टर टेबल में वही लिखे यहाँ पर, देन पर्सन यस, देन एंड, तो हमें क्या लेना है उसके बाद जो क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिख देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं, देन यहाँ पे पेस्ट, देन इक्वल्स टू पर्सन यस, देन हमें क्या चाहिए उसके बाद, उसके बाद चाहिए हमें आंसर के लिए, तो यहाँ पे एंड करके लिख लेता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, कॉपी फील, देन यहाँ पे पेस्ट, तो ये मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि मुझे कुछ एरर नहीं चाहिए कि स्पेलिंग गलत ना लिखी जाए, कंट्रोल, ओके, पर्सन यस, तो नीचे हम वैल्यू लिख लेते हैं जिस वेरिएबल में हमारा डेटा है, ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैल्यू नाम का, वैल्यू इक्वल्स टू जिस वेरिएबल में हमारा डेटा है, ईमेल हमारा किस वेरिएबल में डेटा है, सेल्फ डॉट, जो हमने वेरिएबल लिखे है ऊपर वाले, तो ईमेल मेरा टेक्स यूज़र नेम में है, डॉट यहाँ पे गेट करूँगा, ओके, देन हम अगला है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेल्फ डॉट, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने लिखा है कॉम्बो, तो इस फील्ड में डेटा होगा उसका, देन यहाँ पे इसको गेट करेंगे, ओके, देन नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी आंसर, यहाँ पे देखिए टेक्स सिक्योरिटी में ये डेटा हमारा है, तो इसी को लिख लेते हैं सेल्फ डॉट टीएक्सटी सिक्योरिटी, देन हम इस दोनों क्यूरी और वैल्यू को एग्जीक्यूट करना होगा, तो कर्सर की मदद से हम एग्जीक्यूट करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ओके, एग्जीक्यूट, तो हम फर्स्ट हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, देन कॉपी, देन कॉमा, और इस वैल्यू को कॉपी करेंगे, ओके, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, ओके, देन हमें क्या करना है, इस डेटा को एग्जीक्यूट कर लिया, इस डेटा को जो भी हमने डेटा लिखा है ईमेल सिक्योरिटी सिक्योरिटी आंसर, इस डेटा को हमें फेच करना है डेटाबेस से, तो हम फेच करेंगे, तो फेच करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, फेच करने के बाद हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो डेटा रो नाम के, देन हम फेच करने के लिए माय कर्सर की मदद से फेच करेंगे, तो फेच करना है हमें ऑल डेटा को, ओके, मुझे ऑल नहीं वन डेटा को, तो मुझे फेच करना है फेच वन डेटा को, तो फेच वन डेटा, ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, अगर डेटा फेच होके यहाँ पे यूजर ने कुछ गलत इनपुट किया, अगर आंसर गलत दिया तो हमें एक मैसेज शो होना चाहिए कि प्लीज इंटर द करेक्ट आंसर, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ जो भी डेटा हमारे रो में है इक्वल इक्वल्स टू अगर नन, ओके, देन, तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगाएंगे हम शो एरर,
तो इस बॉक्स में हमें जो भी एरर है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखिए, जस्ट मैं एरर लिख रहा हूँ बार बार, देन हमें यहाँ पे मैसेज शो कराना है, जो भी हमें यूज़र को शो कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लीज़ इंटर द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर, तो करेक्ट आंसर डालना चाहिए, अगर रॉन्ग आंसर डाला तो ये यूज़र रॉन्ग आंसर डाले तो यहाँ पे ये जो मैसेज है शो हो जाएगा, देन यूज़र ने करेक्ट आंसर भी डाल दिया। ओके, ये वैलिडेशन पार करके यूज़र ने करेक्ट आंसर डालने के बाद न्यू पासवर्ड डालने की बारी आती है, तो उसके बाद हमें न्यू यूज़र पासवर्ड डालने से पहले हमें क्यूरी को अपडेट करना होगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे हम MySQL क्यूरी से यहाँ पर अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए सिंपल, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में हमें अपडेट करना होगा, तो एल्स यहाँ पे नीचे, तो मैं अपडेट करने के लिए फर्स्ट क्यूरी लिखेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेता हूँ क्यूरी नाम का, तो सिंपल हमें अपडेट वाली क्यूरी लिखनी है यहाँ पे MySQL, तो यहाँ पे अपडेट, जो भी यहाँ पे अपडेट आएगा, जो भी टेबल का नाम है, जो रजिस्टर नाम है हमारा रजिस्टर, सेट करना है हमें पासवर्ड को, पासवर्ड जो भी फील्ड में नाम है कॉलम में डेटाबेस में वही लिखे यहाँ पे सेट, तो हमें सेट करना है इक्वल्स टू पर्सन यस, तो वेयर कहाँ पे सेट करना है, जो भी ईमेल में ईमेल इक्वल्स टू पर्सन यस। ओके, तो यहाँ पे सेट करना है हमें, देन हमें वैल्यू देनी है इन दोनों की, जो भी जिस वेरिएबल में स्टोर है। ओके, तो सेल्फ डॉट, तो फर्स्ट देना है न्यू पासवर्ड में जो डेटा हमारा स्टोर है, ओके न्यू पासवर्ड, देन यहाँ पे गेट करेंगे, देन हम यहाँ पे सेल्फ डॉट जो भी ईमेल डेटा है हमारा, तो यूजर, ओके यूज डॉट गेट, ओके तो ये वेरिएबल हो चुके हैं। उसके बाद हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट की मदद से, ओके देन हम एग्जीक्यूट करने के लिए पहले फर्स्ट क्यूरी लिखते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, ओके तो ये मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। इससे पहले मैं ऊपर देख लेता हूँ तो मेरी गलती कुछ हुई या नहीं, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर अपडेट पर देखिए मैं स्पेलिंग गलत लिख लिया था, तो आप चेक कर लीजिए आप कुछ गलत लिखा हुआ तो यहाँ पर मेरा सही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके बाद, तो ओके तो ये सब सही है, तो हम कंट्रोल एस करेंगे, देन यहाँ से रन करेंगे डायरेक्ट, तो ओके तो हम यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे कपिल @123, देन यहाँ पे फॉगट पासवर्ड, तो फॉगट पासवर्ड में जो भी कपिल का है यहाँ पे मैं डेटाबेस में देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कपिल का जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है बर्थ प्लेस है और सिक्योरिटी आंसर है पुणे, देन इसका पासवर्ड है 123, तो इसे मुझे चेंज करना है, मुझे पता नहीं कि पासवर्ड क्या चाहिए क्या है, तो मुझे रिसेट करने के लिए मुझे सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, तो इसकी ओके तो इस पर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन मुझे चाहिए बर्थ प्लेस, यहाँ पर पुणे है, ओके देन यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करना है मुझे, तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड फर्स्ट, तो न्यू पासवर्ड 123 है, मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे कपिल रख देता हूँ कपिल 123, और यहाँ पे रिसेट बटन क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए योर पासवर्ड हैज़ बिन रिसेट प्लीज़ लॉग इन न्यू पासवर्ड। ओके तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरा पासवर्ड रिसेट हुआ है नहीं, तो डेटाबेस में जाएंगे हम, तो यहाँ पे मैं रिप्रेस मारता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो कपिल नाम है इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है कपिल 123, तो हम वेस कोड में जाएंगे, उसके बाद हमें एक काम करना है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओके तो यहाँ पर जो मैसेज शो हो रहा है हमारा, अगर मैं यहाँ पर एक गलत लिख लो गर्लफ्रेंड नेम और यहाँ पे कुछ भी डाल दो ऐसे, और यहाँ पे रिसेट पासवर्ड के लिए कुछ ऐसे डमी डाल दो और रिसेट करो, तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर करेक्ट आंसर, और ये मैसेज बॉक्स है ना ये जो मेन विंडो पर आ रहा है उसी विंडो पर चाहिए, इसके लिए हमें कुछ लिखना होगा, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं जाता हूँ वेस्ट कोड में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स है यहाँ पे हमें पेरेंट लिखना होता है, पेरेंट इक्वल्स टू जो भी सेल जो रूट का नाम है हमारा,
तो रूट का नाम है टू। ओके, तो इसी को कॉपी करके सभी जो मैसेज बॉक्स में है उस मैसेज बॉक्स में डालना होगा। कॉपी, देन यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स है, पेस्ट, और ऊपर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ओके, देन पेस्ट, यहाँ पर भी है। तो ये जो सेल्फ रूट टू में डालना है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, वही पे ये मेरा मैसेज शो हो जाए, ना कि अदर विंडो में रिडायरेक्ट हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ से डायरेक्ट रन। ओके, पहले वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज, तो यहाँ पर से क्लोज देन रन। ओके, तो मैं वैलिड यूज़र डाल देता हूँ यहाँ पर, कपिल एट द रेट 123, और यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड। अगर मैं कुछ ना सेलेक्ट करो और रिसेट पासवर्ड करो, तो यहाँ पे देखिए इसी विंडो पर मेरा मैसेज बॉक्स जो भी है यही पे शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे सही में डाल देता हूँ योर बर्थ प्लेस, देन यहाँ पे मैं पुणे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड भी डाल सकता हूँ, अगर 1 2 3 4 कर लो और रिसेट पासवर्ड कर लो, तो यहाँ पे देखिए यही मैसेज शो हो रहा है, ये मेरा जो फॉरगॉट पासवर्ड वाली विंडो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो मुझे क्या करना है, ये पासवर्ड होने के बाद ये जो विंडो है हमारी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके लिए मुझे एक एक तो दो लाइन लिखनी होगी। तो लिखेंगे हम वेस्ट कोड में चलते हैं, तो इसे कट कर लेता हूँ। ओके, तो वेस्ट कोड में जाएंगे हम, तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे मुझे डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय क्या करना है मुझे, सेल्फ डॉट रूट टू। ओके, तो इसे डिस्ट्रॉय करना है तुरंत मेरा जो भी पासवर्ड रीसेट होने के बाद। तो यहाँ पे रूट टू, तो मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रॉय फंक्शन लिखना होगा, डिस्ट्रॉय। ओके, देन रन करने से पहले मैं बता दूंगा, जहाँ पे आपने मैसेज लिखा है वहाँ पे पेरेंट क्लास लिख लीजिए, यहाँ पर जिस विंडो पर आपको शो करना है मैसेज बॉक्स वहीं पे शो हो जाएगा, वरना वो अलग विंडो में शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे रजिस्टर वाले जो भी मैसेज आपको शो कराने हैं तो इस विंडो का नाम है रूट, तो रूट से ही कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ, कंट्रोल यस, और यहाँ से रन। ओके, तो यहाँ पर मैं वैलिड यूज़र नेम डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे कपिल एट द रेट 123, देन यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड। तो उसके बाद मैं कुछ ना यहाँ पर कुछ ना सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐसे रीसेट करो। ओके, तो सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे योर बर्थ प्लेस यहाँ पे पुणे डाल दो, देन यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल दो, मैं यहाँ पे जैसे कि किरण डाल दो। ओके, एट द रेट 123, देन रीसेट पासवर्ड कर लो। रीसेट पासवर्ड करने के बाद तुरंत ये विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रीसेट पासवर्ड, योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, प्लीज़ लॉग इन न्यू पासवर्ड, ओके करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं अगर लॉग इन करूँ यहाँ पर किरण एट द रेट 123, देन यहाँ पर लॉग इन, एक्सेस ओनली एडमिन पैनल, तो यहाँ पर इंटर। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ये ओपन हो रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की मैं लिंक दे दूंगा। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो हमें न्यू यूज़र रजिस्टर में एक बटन पर काम करना है, लॉग इन नाउ पर। अगर मैं इस पर क्लिक करो तो लॉग इन बटन पर क्लियर रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो हम इस पर काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वी एस कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे हम आखिर में सबसे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, डिफाइन रिटर्न लॉग इन। ओके, यहाँ पे सेल्फ पास करेंगे, देन सिंपली हमें जो भी सेल्फ डॉट रूट देन डॉट डिस्ट्रॉय करना होता है, तो डिस्ट्रॉय की मदद से हम डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय। ओके, देन इसको इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम बटन में, तो जो जहाँ पे हमारा बटन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कमांड देंगे जो फंक्शन का नाम है हमारे, सेल्फ डॉट रिटर्न लॉग इन। ओके, कंट्रोल यस, और यहाँ से रन करूँगा मैं, तो पहले वाला क्लोज कर लेता हूँ। ओके, देन रन, तो मैं यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करो और यहाँ पे लॉग इन नाउ पर क्लिक करने के बाद ये डिस्ट्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हम रिटर्न लॉग इन पेज में आ रहे हैं।
तो हमने लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज एंड फॉरगॉट पासवर्ड विंडो परफेक्टली बना लिया है। इसी के साथ मल्टीपल विंडो वाली कंसेप्ट भी पूरी कर ली है। अगर कुछ भी ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।